Krishna, Krishna,
माइक दे दो, बाद में इसको लिया बजे।
और सब हमारे जो अलग अलग भक्त लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से उनकी बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी उनकी कथाओं को सुना रहे हैं। इसलिए कथा कर लिया, अभी हमारे दामोदर प्रभु की वो भी उपदेशा पुस्तक जो दूसरा नंबर जो श्लोक है उसको वो श्रवण करा रहे थे। लेकिन उपदेशा मृतक का जो तीसरा नंबर श्लोक है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। बताओ तो तीसरा नंबर श्लोक क्या है? बोलो, कौन बोलेगा? बोलो जोर से बोलो। बताओ इसका मीनिंग क्या है? इधर आ जा, इधर आ जा। अनुपम बोलेगा, अनुपम तू तैयार क्या है? हाँ बोल, इधर आ जा। देखो इसमें फिर भगवान की भक्ति करने के लिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ये छह गुण जरूर आनी चाहिए। जिसको अंदर में ये छह गुण है अच्छा फिर वो व्यक्ति सारा जीवन भगवान की भक्ति को कर सकता है। अगर जिसको अंदर में ये छह गुण नहीं, बड़ा कठिन है भगवान की भक्ति करना, बड़ा कठिन है। लेकिन आप देखना संसार का काम में बड़े तो उत्साह है। एक व्यक्ति देखो सवेरे से लेकर के एकदम सवेरे जब उठता है 4 बजे 5 बजे लेकर के सोने तक, रात 10 11 बजे सोने तक, देखना दिन भर संसार में लगा हुआ होता है। लेकिन संसार का तो सबका सेवा करता है लेकिन सबका डंडा भी पड़ता है। बीवी की भी गाली सुनना पड़ता है, बच्चों को भी गाली सुनना पड़ता है, और बहू को भी गाली सुनना पड़ता है, नाती पोती सबका गाली सुनता है कि नहीं? लेकिन संसार का सारे काम तो करता है। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए अगर थोड़ी सी अगर इसमें अगर उत्साह नहीं होगा तो फिर भगवान की भक्ति कैसे करोगे? इसलिए भक्ति जगत में सबसे जो पहला गुण है भजन करने का, ये उत्साह है। इसलिए हमारे वेद में बताया ना अयम आत्मा बल ही देना न लगता, मतलब है कि जो आत्म तत्व बल ही, जिसका कमजोर चित्त है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। जिसका चित्त बड़ा दृढ़ चित्त है, जिसका हृदय बड़ा दृढ़ है, कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। देखो मीरा के ऊपर में जब मीरा ने भजन की उसका पीछे सब पड़ गए, उसका पति, उसका जेठ, उसका देवर, उसका ननद, उसका सास, उसकी सबके सब पीछे, गांव के कुत्ता तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन मीरा ने क्या भजन छोड़ दिया? हरिदास ठाकुर ने जब भजन कर रहे थे 22 बाजार में उनकी पिटाई हो गई, लेकिन जितने जोर से पिटाई हो रही थी ना वो उतना जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। और एक बार जोर से बोलो जोर जोर से वो भक्ति कर रहा था, इतने जोर जोर से हरिनाम। लेकिन हमारे जीवन में अगर भजन करते करते थोड़ी बड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, अपना खाना नहीं छोड़ेगा, घूमना नहीं छोड़ेगा, सोना नहीं छोड़ेगा, लेकिन माला ही छोड़ देगा। बोले हमने इतना भजन किया, भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, लेकिन और कोई चीज छोड़ेगा नहीं है, सब काम करेगा लेकिन माला छोड़ देगा। मतलब वो भजन छोड़ने के लिए पहले से तैयारी हो गई। ये कब छूटे भजन कब सबसे भजन कब छूट जाए? इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते देखो भक्ति करने के लिए पहला गुण क्या चाहिए? उत्साह। तुम्हारे अंदर में उत्साह चाहिए है, जिसको जितने भक्ति में उत्साह है वो व्यक्ति उतना ही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए अभी हमारे श्री छोटे प्रभु जी क्या आप खड़े हो जाओ, वही ना पढ़ लो। ये उत्साह तो दूसरा उसका जो गुण है
उत्साह और निश्चय। निश्चय मतलब होता है सिगरेट अलग से टीका निश्चय मतलब होता है भगवान हमें निश्चित रूप में ठाकुर जी हमें मिलेंगे, ये दृढ़ विश्वास रखनी चाहिए। धैर्यात मतलब होता है धीरज धारण करो, भक्ति जगत में हमें धीरज धारण करनी चाहिए। और उत्साह निश्चय धैर्यात बोले तत् तत् कर्म प्रवर्तना, मतलब जो काम करने पर भगवान की भक्ति बढ़ेगी हमें वही वही काम को करनी चाहिए। जो काम करने से भक्ति बढ़ेगी नहीं वो काम हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए बोले संगत त्यागा, भक्ति करना तो असत संग को त्याग दो, क्योंकि जैसे संगत में बैठोगे तुम्हारे ऊपर वैसे रंग चढ़ने लग जाएगा है। अगर चोर के साथ में बैठोगे चोर बनोगे, जुआरी के साथ में बैठोगे जुआरी बनोगे, और जो सिगरेट फूंकते हैं उनको साथ में बैठोगे सिगरेट फूंकोगे। इसलिए देखो एक समय एक बहेलिया ने एक घोंसले से दो तोते पकड़ा, कितना तोता पकड़ा दो। अभी एक तोता तो किसी चोर के पास में चला गया और एक तोता चला गया किसी साधु के पास। एक समय कोई एक राजा जंगल में वो शिकार खेलने के लिए गया, उसको बड़ी जोर से प्यास लग रहा था, वो पानी ढूंढ रहा था। पानी ढूंढते ढूंढते उसने पहुंचा एक घर में, उसको घर को सामने देखा एक तोता पिंजरा। वहां पहुंचते ही वो तोता ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बोले पकड़ो पकड़ो मारो मारो पीटो पीटो। राजा ने देखा भैया जिस घर के तोता ऐसे बोल सकता है तेरे घर का आदमी कैसे नहीं बोल, इसलिए वो पानी क्या पिएगा वहां से भागा वहां से। और थोड़ी दूर गया देखा वहां भी एक तोता लटक रहा है पिंजरा में, वहां जाते ही वो तोता बोलना शुरू कर दिया, राधे राधे बाबा राम राम हरे कृष्ण आपका स्वागत हो, आई पधारी बेटा पानी पीजिए। बोले भैया तोता होकर कितना मीठी बोली बोलता है, पर घर का मालिक कैसे नहीं होगा। सचमुच से वो गया तो एक साधु निकल कर भी आया, सचमुच वो तोता का जैसे व्यवहार है ना उससे भी ज्यादा मीठा व्यवहार ये साधु का था। उन्होंने उनको बैठाया, आदर किया, मीठा पानी पिलाया, सत्संग सुनाया। इतने में ये तोते को पूछे बोले भैया तुम दोनों तो एक घोंसले से तुम दोनों आए हो, तुम्हारी ये स्वभाव कैसे बदल गया। बोले इसमें हमारी कोई दोष नहीं, ये दोष संगत की दोष, हमारी ये संग की ये दोष है, जैसे संग में उठक बैठक तुम्हारी ऐसे ही स्वभाव हो जाएगी। इसलिए बोले संगत त्यागा, ऐसे व्यक्ति को पास में मत बैठा करो जिसको साथ में बैठने पर भक्ति का कोई विरोधी बात सुनना पड़े, गुरु वैष्णव की निंदा चुगली सुनने पड़े, ऐसे संगत से दूर रहनी चाहिए। संगत त्यागात और सत्तोवृत्ति, सत्तोवृत्ति मतलब होता है जीवन में हमारे जो गुरु जी के गुरु जी की गुरु जी की गुरु जी, इन लोगों ने जैसे जैसे साधन भजन किया है, जैसे हमारे बड़े गुरु जी श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कैसे भजन करते थे, कैसे दिन रात कैसे खाने से पहले एक लाख हरिनाम जप करते थे, ग्रंथ रचना करते थे, दिन में 2 लाख हरिनाम करते थे, भगवान की कथा बोलते थे, भगवान की कथा प्रचार करते थे, 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भजन में लग रहे। इसलिए जब हम हमारी गुरु परंपरा साधुओं की हम कथा सुनेंगे, उनकी वृत्तियों को जब सुनेंगे क्या होगा, हमारी अंदर में भी ऐसे उत्साह आएगा, हमें भी ऐसे एक एक हरिनाम करनी चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, असत संग से हमें दूर रहनी चाहिए है। इसलिए कहते जो 6 गुण है सर्वभिर भक्ति प्रसिद्धति, अगर ये 6 गुण अगर किसी का अंदर में आए ना तो जरूर इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर सकता है और इसी जीवन में भगवान की भजन भक्ति कर सकता है। इसलिए ये जो 6 गुण है ना भागवत हमारे रामायण में जो सबर की कथा है आप लोग सुने होंगे सबर की कथा, उसने बचपन से अपने घर को त्याग दिया,
जब उसी वो सगरी शादी के लायक ही हो गई, उसकी शादी की बात चल रही, जब बात चल रही थी, सगाई हो गई, शादी का डेट तय हो गया, उसने देखा कुछ भेड़ बकरी उसको घर पर बैठे हुए। बोले पिताजी ये भेड़ बकरी क्यों लाए हो? बोले बेटी तेरी शादी होगी ना, उसमें जो शादी में जो बारात आएगी उसको भोज देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, और ये भेड़ बकरी को उसको खिलाएगी। उसने देखा मेरी शादी जिसको कहते हैं शुभ विवाह, और मेरी शादी में इतने जानवर मरेंगे, ऐसे शादी की कोई जरूरत नहीं, मेरे उद्देश्य में इतने जीव हिंसा होगा। उसने घर छोड़ करके चली गई और जा करके श्री मातंग ऋषि को आश्रम को पास में रह करके उसने भजन किया, उन्होंने भगवान की भक्ति की, और उन्होंने देखा भैया गुरु जी की तो कुछ सेवा करनी चाहिए, ये तो छोटे जाति की, और वहां पर बड़े बड़े ब्राह्मण लोग रहते थे। बोले अंदर में मैं जा ही नहीं सकती हूँ, गुरु जी की तो सेवा करनी चाहिए, उनको मन मन में अपना गुरु मान लिए, जब तक तो गुरु जी की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें वहां मिलेगी नहीं, अभी गुरु जी की सेवा कैसे करें। तो उन्होंने देखा ये लोग चल करके पंपा सरोवर में नहाने जाते हैं, रास्ता को रात को साफ करते थे, और रात को जब सो जाते थे चाहे तरफ में झाड़ू बुहारी लगा देती थी, जंगल से सूखी सूखी लकड़ियों को ला करके दरवाजा को सामने रख लेती थी, यही ठाकुर को सेवा में, गुरु जी की सेवा संत सेवा में लगी। गुरुदेव ने देखा भैया कौन ये काम करता है, ये काम को कौन छुप छुप कर करता है, सवेरे देखा तुम साफ सुथरा है, एक दिन रात को देखा ये छुप छुप करके काम कर रहे। बोले मेरी बेटी इधर आ। बोले तू ये क्या कर रहे हो? बोले गुरु जी आपको मैंने अपना गुरु जी मान लिया है, और गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, मैं तो सवर जाती थी अंदर में जा ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी बहुत मेरे से जो बन पड़ता है सेवा करता, समझ गए गुरु जी इसकी अंदर में सेवा की भावना है। कहते भक्ति पाने का जो सबसे मूल लक्षण है सेवा, क्या है? सेवा। जब तक आप सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा। कहते एक पतिव्रता नारी पति को कैसे वशीभूत कर देती है? सेवा करते 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 इतने वशीभूत कर देती है, पत्नी के अंगुल को ऊपर में पति नाचता रहता है, सारे काम करेगा दिन भर, जो महीना में जो तनख्वाह लाएगा पैसा किसको देता है? अपना पत्नी को देता है ना, क्यों? उसको विश्वास करता है, सेवा करता। अगर पत्नी से पैसा मांगे ना 10 रुपया दे दो, 1000 रुपये देना पड़ेगा, 10 रुपया क्या करोगे, इतना पैसा क्यों मांग रहे, क्या जरूरत, इतना पैसा क्यों, 1000 पैसा उसने कमाया पैसा उसका, लेकिन उसको पैसा निकालना तो कितना पेपर, कारण क्या? वो सेवा करती है, वो सेवा करती है, सेवा की इतने महत्व, इतने सेवा की इतना महत्व है, इसलिए देखा जब तक तो गुरु जी की सेवा नहीं करेंगे ना तब तक तो विवाह नहीं मिलेगा है, वो समझ गए इसके अंदर सेवा वृद्धि है, यही भक्ति पाने का अधिकारी है। श्री गुरु जी ने उसको अपनाया और उसको हरि कथा सुनाया, उसकी वजह से सारे ब्राह्मण आश्रम से निकल गए, लेकिन ऋषि ने इन्हीं को ही सारे उन्होंने कथा सुनाई और सारे ज्ञान देकर गए। बोला अरे एक भी भगवान राम तेरे आश्रम में आएगी, उसी समय सबरी कितने उम्र की थी? बड़े जवानी थी, वो जवानी थी उस समय, लेकिन भगवान राम कब आए, भगवान राम कब आए पता नहीं, 10-11 हजार साल के बाद में भगवान आए, उस समय एकदम बूढ़ी हो गई थी, दांत गिर गई थी, आंख में देखना कम हो गया था, उसी उम्र में भगवान उसको आश्रम में ठाकुर जी आए हैं, ठाकुर जी उसी अवस्था में आए, लेकिन कितना दिन तक उसने अपेक्षा किया, कितने दिन तक, 10-11 हजार साल तक। अब हम लोग गुरु जी से माला लेते हैं, बोले गुरु जी ये माला जब करते करते काली हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, और कोई मंत्र है गुरु जी है? और कोई मंत्र है गुरु जी? हमारे मथुरा में हमारे जो बड़े गुरु जी थे उनसे कुछ हरिनाम लिया, हरिनाम लिया तो पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, उसका बिजनेस इतने बढ़ गया जो सोच नहीं सकते, इतने बिजनेस 1-2 साल में एकदम 3 मंजिल मकान उसने खड़े कर दिया। तो अब पास वाले लोगों का तो खिल मिल मचता है, जब पास वाले लोग हो ना कोई गाड़ी हो बढ़िया घर हो खिल मिल मच जाती है, भैया इतना पैसा उसको कहाँ से आ गया,
उसको किधर से पता चला जो गौड़िया भट्ट के जो बाबा है ना वो उसको पास में जाता है और गौड़िया भट्ट बाबा ने इनको मंत्र दिया और माला जप करता है। ओ बाबा ये गौड़िया भट्ट बाबा की चमत्कारता है। अभी गौड़िया भट्ट बाबा लाइन लग गया मथुरा भट्ट, जब लाइन लग गया अभी भाग्य में जो होगा वो तो मिलेगा ना। अभी कुछ दिन जब माला जप किया बोले उसको तो एक दो साल में 3 मंजिल मकान हो गया, लेकिन अभी तो हम 1 मंजिल में रह रहे हैं, एक मंजिल में ये क्यों कुछ नहीं हो रहा है। फिर गुरु जी के पास ना आए बोले गुरु जी और कोई मंत्र है आपके पास में? बोले गुरु जी और कोई मंत्र है आपके पास में? और कोई मंत्र हो तो गुरु जी दे दो। फिर उसको बिल्कुल बक्सा है ना पीछे पीछे उसका मुंह पीछे कर दो, उसको पीछे कर दो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया भगवान की भक्ति करने के लिए उसके अंदर में सबर के अंदर में जो उत्साह है, क्या उत्साह है? स्क्रीन को इधर ही कर दो और थोड़ा इधर कर दो और थोड़ा आवाज आ रही है। किसको किसको पास में आ रही है? सबको पास। इसलिए हरे कृष्णा, इसलिए कहते भक्ति जगत में उसका अंदर में कितने उत्साह हो। गुरु जी ने बोल दिए एक दिन ठाकुर जी आएंगे, अकल नहीं छोटे भाई को साथ में आएंगे, लेकिन कितने हजार साल उन्होंने इंतजार करते रहे, रोज रास्ता में झाड़ू लगाती है, फूल ला करके रास्ता में भिजवाती है और रोज बेर को चुन चुन करके मीठे मीठे बेर को ला कर रखती है। और सचमुच से एक दिन भगवान राम लक्ष्मण उसको घर में ठाकुर जी आए। ब्रश्री भक्त वत्सल भगवान की जय, ब्रश्री सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए बोले भक्ति में कहते भक्ति में जो पहला लक्षण कौन सा लक्षण है? उत्साह। जब तक तुम्हारी भक्ति में उत्साह नहीं रहेगी ना भक्ति करने का लायक नहीं है। इसलिए हमें उत्साहित होकर क्या करनी चाहिए? रोज समय से उठो, तिलक लगाओ, हरिनाम करो, गुरु मंत्र को जप करो, गुरु मंत्र को जप करो हैं? क्योंकि हम लोग ने अनंत काल से भगवान को भूल करके माया में फंसे हुए हैं। कितना कालों की जो महिला हमारे हृदय में पड़े हुए, अगर हम 2-4 साल माला जप करके बोले अभी क्यों अनर्थ नहीं जा रहे, घर में अभी पैसा क्यों नहीं आ रही, घर का दुख कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहा है, दुख कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहा है? अरे भगवान के नाम पे करो। इसलिए बोले चेत दर्पण माध्यम, भगवान के नाम करते रहो। इसलिए उत्साह निश्चय एक दिन जब भगवान के नाम में जप कर रहा हूँ, जब सब भक्तों को ठाकुर जी मिले एक दिन मुझे क्यों नहीं मिले, मुझे भी एक दिन ठाकुर जरूर मिले। निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, धीरज धारण करो, धीरज को फेल नहीं करनी चाहिए, धीरज धारण करनी चाहिए और भक्ति के अनुकूल वस्तु को स्वीकार करते रहो। जो काम करने से भक्ति बढ़ेगी वो काम करते रहो, असत संग से दूर रहो। और जो हमारे गुरु परंपरा जो साधु लोग जैसे इन लोगों ने साधन भजन किया है वो रास्ता को फॉलो करते रहो। जब सबको भगवान मिले हमें भी ठाकुर एक दिन भगवान जरूर हमें मिलेंगे। इसलिए ये रूप गोस्वामी कहते हैं अगर किसके अंदर में ये 6 गुण अगर आ गया ना बस तुम्हारी जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारी जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे ही इनकी एक एक जो श्लोक है, उन्होंने जो एक एक श्लोक हम लोगों के लिए बताया ये अनमोल श्लोक है। साधन जगत में ये अनमोल श्लोक है। ठीक है अभी हमारे बीच में करते हमारे बीच में हमारे शिष्यानंद प्रभु जी साधु
श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री ये जो फोटो है ना सब दुनिया प्रीति में जा रहे और तुम लोग यहाँ पर बैठे कथा सुन रहे हैं। मेरे पास में ऑस्ट्रेलिया का रशिया की सब फोन नंबर आ रहा है। महाराज आप कथा हो रही है हम सुन रहे हैं और तुम लोग को यहाँ बैठे हो सब विदेश में पैर पटो जा रहे हैं। सारा दुनिया तुम तो देख रहे हैं यहाँ पर बैठ करके जैसे कि आप अभी कुछ दिन पहले मनमोहन प्रभु जी ने यह कथा की थी, उन्होंने बताया था कि जब वो पहली पहली बार रूप सनातन गॉडमठ में गए थे तो वो कथा में बैठे तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तो वो वहाँ के जो प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी उनके पास गए कि प्रभु जी मुझे लगा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्रभु जी ने उन्होंने बताया कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन तब भी कथा सुनो, समझ आएगा आए लेकिन सुनो, क्योंकि होगा क्या धीरे 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 सुनने से सब कुछ होगा। अगर हमें लगेगा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आना व्यर्थ तो ये गलत, ये सोच हमारी गलत है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और धीरे धीरे देखना एक दिन हमें थोड़ा थोड़ा बहुत समझ आना शुरू करेगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि तुलसी मेरे नाम को रीझ बजो या कीज भौं पड़ा जावे सभी उल्टा सीधा बीज। अगर जो जो किसान होता है ना जो खेती करने जाता है तो बीज क्या करता है खेत में जब डालता है बीज तो क्या करता है, तो बीज होता है ना टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे कैसे भी पड़ते हैं लेकिन जो उनका फल होता है ना जो पेड़ होता है वो अंकुरित होकर हमेशा ऊपर ही आता है। ऐसा नहीं कि अगर बीज उल्टा गिरा तो नीचे की साइड जमीन के अंदर जाएगा, नहीं हमेशा ऊपर ही आएगा। तो हम कथा सुनते रहेंगे तो देखना एक दिन हमारा कल्याण हो गया। हम धीरे धीरे जो हम चाहते हैं तो हम और हमारे जो कथा का जो मेन जो कथा है वो हमें समझ आना शुरू होगा। तो मैं जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है मैं आप लोगों से अभी थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में इस कलयुग में अवतीर्ण हुए थे। श्रीमती राधा रानी के अंग क्रांति और उनके भाव को लेकर यहाँ आए थे। उनके विशेषता छह शिष्य थे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छह गोस्वामी थे। इनमें जो प्रमुख थे वो थे रूप गोस्वामी, जिनके बारे में हम पिछले पांच दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं। तो ये जो रूप गोस्वामी थे ये कौन थे, ये भगवान श्री कृष्ण के लीला में रूप मंजरी थे और जो इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी ये थे ब्रह्म मंजरी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जो राधा रानी है उनकी सखियाँ आठ सखियाँ हैं, ललिता विशाखा विद्या वृंदेवी सुदेवी प्रकार प्रकाश आठ सखियाँ हैं। इनमें जो मुख्य है वो है हमारी श्रीमती राधा रानी। उसी तरह इनके अनुगत्य में जो मंजरियाँ हैं जो इनके अंदर में काम कर जो भगवान की सेवा में करती हैं उनमें जो मंजरियों में जो प्रमुख है वो है रूप मंजरी। तो हम आज थोड़ा रूप मंजरी गोस्वामी के विषय में थोड़ा सुनने का प्रयास करते हैं कि उनका जो जब उस कलयुग में आए इस धराधाम में तो उनका क्या उनका वो था वैशिष्ट था। तो रूप गोस्वामी थे, उनका जन्म कर्नाटक के एक ब्राह्मण कुल में भारद्वाज गोत्र में उनका जन्म हुआ था और वो बचपन से ही दोनों भाई बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने बचपन में ही काफ़ी सारी शिक्षाएँ और काफ़ी सारी भाषाएं सीख ली थी। अब जैसा होता है ना कि अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा है किसी के अंदर टैलेंट हो तो उसकी ख्याति बढ़ जाती है, देखो उनका लड़का है वो फर्स्ट आया उसने वहाँ टॉप किया या उसको ये आता है उसको आता है, तो वो उनकी ख्याति फैल गई थी पूरे उस कर्नाटक में। और तो और जो उनका जहाँ वहाँ रहते थे रामकेली ग्राम में वहाँ के सब लोग उनको उनके उनसे प्रभावित थे। तो ये बात वहाँ के राजा तो हुसैन शाह को पता लगी और एक महाराज जी ने बात बताई थी ना जो वो दरगाह बनाने की उन्होंने बताया था कि जो यहाँ पे मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाने के लिए जब उन्होंने सिपाही को बोला कि जाओ लेके आओ तो जो बड़ा परेशान था
तो रूप गोस्वामी जी ने जैसे उनकी मदद की आप सब लोगों ने सुनी होगी कथाएं, तो राजा उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और उन्हें अपने यहाँ उन्होंने अब उनकी नौकरी अपने यहाँ लगवा दी। जो सनातन गोस्वामी थे उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर और जो रूप गोस्वामी थे उनको वहाँ का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। काफी समय तक उन्होंने वहाँ पूरा कार्यभार संभाला। जो राजा था हुसैन शाह उनको अपनी तरह बिल्कुल अपने भाइयों की तरह रखता था। जो रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी थे वो वहाँ बिल्कुल जैसे मुस्लिम लोग होते हैं ना उन्हीं की तरह उनका पहनावा सब कुछ वेशभूषा रहना सब कुछ वैसे ही था। लेकिन क्या था कि उनकी जो सुकृति थी वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, शुरू से ही उनका भक्ति की ओर थोड़ा प्रभाव था। वो भागवत पढ़ना, गीता श्रवण करना, कथाएं सुनना, साधु संग करना ये भी करते थे। लेकिन वो राजा के जब राजा के यहाँ जाते थे तो राजा की जैसा कहते ना जैसा देश वैसा भेष, वो उसी रंग में रहते थे। तो एक बात जैसे कि एक प्रभु जी बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जी का जब वहाँ हरिनाम संकीर्तन हो रहा था बहुत बड़ा वहाँ विशाल रैली आई, तो वहाँ के जो राजा थे वो घबरा गए कि ये कौन है क्या हो रहा है। तो रूप गोस्वामी ने उन्हें समझाया कि ये कोई चैतन्य महाप्रभु है, ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। तो तब जाके राजा को लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उसे लगा इतनी बड़ी विशाल रैली कहाँ से आ रही है, उसको डर लग गया था कि ये हम पे आक्रमण ना कर दे कुछ ऐसा हो। तो मौका देख के रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी प्रभु महाप्रभु जी से मिलने गए। तो वहाँ रामगिरी ग्राम में महाप्रभु जी से मिले और उन्होंने वहाँ बताया कि वो कैसे अधम है और कैसे वो मुसलमान के साथ रह रहे थे, वो प्रतीत हो चुके हैं। लेकिन महाप्रभु ने उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया, ऐसा नहीं लगने दिया कि नहीं तुम ऐसा नहीं हो। उन्होंने बताया कि तुम मेरे ही भक्त हो, मेरे ही पार्षद हो है, और तुम उनको आदेश दिया कि तुम लोग धीरे धीरे सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो धीरे धीरे रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ने अपना एक दिन निर्धारित किया और सबसे पहले रूप गोस्वामी जी वृंदावन की ओर निकल गए और उसके बाद धीरे धीरे सनातन गोस्वामी भी निकले। जैसे कि हमने सुना था कि सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने जेल में बंद कर दिया था, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो कैसे उन्होंने 7,000 स्वर्ण मुद्राएं रिश्वत दे के पास है जेल से वो निकले, ठीक है। और महाप्रभु को फिर उसके बाद रूप गोस्वामी जी महाप्रभु जी से प्रयाग में मिले, 10 दिन तक उनके वहाँ भेंट हुई। महाप्रभु जी ने उन्हें 10 दिन तक उनको शिक्षा प्रदान की। उस समय रूप गोस्वामी ने जी ने ये जो मंत्र है ना नमो महावचन कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णा कृष्ण चैतन्य नाम रे गौर कृष्ण नमो, ये उसी समय महाप्रभु जी को इस मंत्र से उनकी स्तुति की थी। तो महाप्रभु जी ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ तुम ये जाओ ब्रज में जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। उन्हें 4 आदेश दिए। पहला आदेश दिया कि जो लीला प्रकाश जो सारी सारी लीला है जो जगह स्थली है वो लुप्त हो चुकी है उनका प्रकाश करो, और ग्रंथों का प्रकाश जो ग्रंथ है वो सारे के सारे लुप्त हो गए ग्रंथों को वो करो, और जो विग्रह प्रकाश जो जैसे कि हम चाहते हैं हमारे गौड़ी वैष्णव में 3 मुख्य विग्रह हैं राधा गोविंद मदन मोहन, राधा गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन, कोई इन विग्रहों को भी महाप्रभु की कृपा से इन गोस्वामी ने प्रकट किया। और चौथा था राग प्रेम भक्ति का प्रचार। तो रूप गोस्वामी जी ने इन सब जो भी महाप्रभु जी की जो वांछा थी जो उनका आदेश था उसका पालन किया। उन्हें ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण चैतन्य मनोभिष्टम स्थापित ये न भूतरे स्वयं रूप कदा मिले ददाती स्व प्रदानती गम। उन्होंने ही महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण किया। अब जैसे कि हमें गुरुदेव बता रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी थे वो कौन है, उनका क्या महत्व है, हमें क्यों उनके अनुगत में भजन करना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं रूप रंग रात पदे हई वे अंगूठी कभी हम हेरवे युगल प्रीति। कब नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कब रूप और रघुनाथ जी के चरणों के प्रति मेरा आकर्षण होगा, तब उनके प्रति मेरी प्रीति होगी, और उनकी प्रीति होने से क्या होगा मुझे राधा कृष्ण की युगल जो यादव कृष्ण युगल जो जोड़ी है उनकी मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी एक उसमें कहते हैं कि सुनिए अच्छी साधु मुखे बने सर्वजन श्री रूप कृपया मिले युगल चरण। बिना रूप गोस्वामी की कृपा से हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। जैसे गुरुदेव बता रहे हो ना हम डायरेक्ट भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते, हम डायरेक्ट भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें गुरुदेव के अनुगत में जाना पड़ेगा, गुरुदेव के आदेशों का पालन करना पड़ेगा।
तब गुरुदेव हमें आगे जो गुरु गोस्वामी के पास हमें ले जाएंगे और उनके द्वारा हमें आगे जो युगल सरकार उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान होगा। देखो मैं हम कलयुगी जीव है तो मैं आपको कलयुग के उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ कैसा प्रोसेस क्या है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इंडिया के लोग पाकिस्तान गए थे वहां उन्होंने अटैक किया था, तो जो टीम गई थी ना वो टीम 20 लोगों की टीम गई थी तो उसमें से ना चुने लोग गए थे। इतनी बड़ी मिलिट्री इतनी बड़ी फौज है लेकिन सबको सेवा का अवसर नहीं मिला। सब लोग जाना चाहते थे लेकिन सब लोगों को अवसर नहीं मिला। उन्होंने क्या करा कुछ लोगों की टीम चुनी। अब देखिए मिलिट्री में जाना कैसा होता है, उसका भी प्रोसेस है। जैसे हम सब लोग हैं धीरे धीरे हम यहाँ भक्ति में है, वो भी एडमिशन वो जाते हैं वहाँ उसके लिए अप्लाई करते हैं आर्मी में भर्ती होने के लिए। तो आर्मी में भर्ती होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, कुछ उनको योग्यता है उनके अंदर योग्यता देखी जाती है कि उनके अंदर योग्यता है या नहीं है। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, जैसे अब हम सब लोगों की ट्रेनिंग होती है कि भैया हमें वहाँ जाना है भगवान के धाम जाना है गोलोक वृंदावन धाम है, तो हमारी भी ट्रेनिंग हो रही है ठीक है। वहाँ उनके ट्रेनर होते हैं तो हमारे यहाँ ट्रेनर कौन है, हमारे गुरुवर्ग है हमारे गुरुदेव है, हमें बताते हैं कि तुम्हें कैसे बचना है, है? वहाँ उनको जो वहाँ टेररिस्ट होते हैं आतंकी होते हैं उनसे बचना है या हमें किससे अपराधों से बचना है, तो उसकी भी वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है कि तुम्हें कैसे बचते हुए रहना है और कैसे हमें टारगेट तक पहुँचना है। तो यहाँ भी हमें ट्रेनिंग मिल रही है कि कैसे हमें अपने टारगेट तक पहुँचना है जो हमारा टारगेट है। उसके बाद जो वहाँ हमारी कोचिंग पूरी हो जाती है उसके बाद में सिलेक्शन बोर्ड होता है वो हमें सिलेक्ट करता है कि हम कौन सी टीम में जाएंगे ठीक है। वो हमारा देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, जो हमने सीखा उसका पालन सही से किया, जो हमें ट्रेनिंग मिली है उसको हम सही से सीखे नहीं सीखे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सेम इसी तरह हमें यहाँ भी है, अब हमारी यहाँ ट्रेनिंग हो रही है ठीक है, गुरुवर्ग के अनुरोध से हमारी ट्रेनिंग हो रही है। तो हम अगर हमारी ट्रेनिंग सही से हो गई पूरी हो गई तो क्या होगा, अगर हम सब कुछ सीख गए और अच्छे से हम करने लगे तो फिर हम आगे नेक्स्ट लेवल में बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेवल क्या होगा, जो रूप गोस्वामी, अब रूप गोस्वामी जी सीधा हमें, अब हम लोग ऐसे है नहीं कि सीधा जाए भगवान की सेवा में लग जाए, वो भी देखेंगे कि बिल्कुल ये कैपेबल है या नहीं है, इनके अंदर वो सामर्थ्य है या नहीं है, कि डायरेक्ट हमें सेवा में नहीं देंगे। जैसे वो टीम गई थी उन्होंने देखा कि ये लोग बिल्कुल सक्षम है या इस चीज के लिए नहीं है, तो सारी टीम गई थी ना उन्होंने वहां कई लोगों को वहां अटैक किया कई लोगों को मार किया है लेकिन किसी को खरोंच तक नहीं आई क्योंकि सबके अनुकूल पक्के थे, सबको पता था कहां कैसे चलना है कैसे क्या हो सकता है किस कंडीशन में क्या करना है, सब कुछ पूरा उन्हें नॉलेज थी। जब कुछ सब कुछ पता होता है ना तब किसी चीज का डर नहीं होता। तो उसी तरह हमें ये सब चीजें सीखनी है, जब अगर हमें भगवत धाम जाना है राधा दास्यम भगवान सरकार की सेवा करनी है तो उसके लिए हमें भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, ये हम कहीं गिरे नहीं। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है ठीक है, इसके द्वारा ही हम भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं ठीक है। मंशा करके तुलसी के पास प्राप्त करते हैं। गोपी गोविंद चंद्र ने राधिकाए जनाने कृष्ण ने कृष्ण भक्ताए नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद में नित्य लीला प्रविष्ट हो विश्वपाद श्रोत शिष्य भक्ति वेदांत नारायण के स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि टकरा प्रणाम करता हूँ, उनकी ऐसे की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर हम सब की कृपा करें ताकि शिव भक्ति की धारा को हम दे पाए ग्रहण कर पाए आशन कर पाए, तत्पश्चात मध्य आशन को जपा शिष्य भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि टकरा प्रणाम उत्सव की ऐसे की कृपा की प्रार्थना करता हूँ, उपस्थित वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडन प्रणाम। गत 5-6 दिनों से ये जो रूप गोस्वामी जी की गुणावली कीर्तन है ये जो धारा है ये बहती जा रही है। महाराज जी और एवं अन्य अन्य वक्ताओं ने आपको बड़ी ही सुंदर सुंदर बातें बताई। मेरा प्रश्न फिर वही रहेगा जो 2 दिन पहले था, इन 2 दिनों में किसी ने कोई प्रश्न आके वापस पूछा? आपने इतना कुछ सुना, कितना कुछ सुना होगा, लिखने वाले से पूछो जो लिख रहे हैं उनसे पूछो कितने पन्ने भर गए होंगे, उसमें से भी अगर
क्या सारी बातें समझ में आई? सब आ गई समझ में? वो माता जी ना कह रही हैं, सब समझ में आई आज तक जो हुई है 6 दिनों में? अब क्यों डर रहे हो? बोलो महाराज जी, यहाँ पे किस लिए आए हैं? या जो वक्ता ये जो आए हैं, समझना, हम यहाँ ज्ञान की उल्टियां करने नहीं आए हैं, समझना, आपका कल्याण करने के लिए महाराज जी आए हैं। और अगर हमें भी खड़ा कर रहे हैं, हमारा कल्याण मतलब जो वक्ता है जिसको खड़ा कर रहे हैं बुलवाने के लिए, उसका भी कल्याण करवाने के लिए कि देखिए भाई, इसने कुछ सालों से वैष्णव संघ जो किया है सही किया है, सीखा है सही, इसलिए आपके सामने बुलवा रहे हैं। और आपको भी सुनवा रहे हैं कि देखो इन्होंने वैष्णव संघ करके क्या क्या सुना, क्या क्या समझा और क्या क्या आचरण किया। क्या आप क्या सोच के आए हो कि कल अनाउंसमेंट हुई थी छोले भटूरे बनेंगे? बताइए कि ये कि महाराज जी यहाँ पे जितने दिन यहाँ पे हैं, जो हम पे कृपा कर रहे हैं, वो ये करेंगे कि जिस धारा से हम हैं, हमारी पहचान है क्या है पता है? हम क्या बोलते हैं? हम जो गौड़िया हैं, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम रूपानुग हैं। ये रूपानुग शब्द तो बड़ा छोटा सा, रूपानुग रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य करने वाले, पर जब इसकी डिटेल में जाते हैं तब पता चलता है। चलो यही बता दो कि उस दिन 2 दिन पहले एकादशी वाले दिन किस शब्द पे मैंने जोर डाला था? वो सन्नाटा हो गया। किस पे डाला था? किस पे? अरे जोर से बोल रहा, सब पता चल गया बाकियों को भी। श्रद्धा। इस विषय में आके किसी ने पूछा, रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में पूरे भक्ति के सभी अंगों के बारे में, सेवा अपराधों के बारे में इतने सुंदर रूप से बता रहे हैं। और एक हमारे आचार्य हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने क्या किया, मुझ जैसे जीव के लिए उस सागर को में से थोड़ा सा सार निकालकर एक ग्रंथ की रचना कर दी और उसको क्या नाम दिया, भक्ति तत्व विवेक। उस ग्रंथ में वो इतने सुंदर रूप से 4 चैप्टरों में केवल भक्ति क्या है, और ये सब किसने बताया, ये सिर्फ रूप गोस्वामी जी ने दिया हुआ। क्या वो ग्रंथ किसी के पास है? कितनों के पास ग्रंथ नहीं है भक्ति तत्व विवेक? आप सबके पास है ग्रंथ? नहीं है तो हाथ उठाओ, शर्म किस बात की, हमने नहीं रखा ना ग्रंथ, हमारे पास नहीं है। एक चीज आज बोलना चाहूंगा, गुरुदेव ने बहुत मेहनत करके, महाराज जी साक्षी हैं यहाँ पे, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है, रात के 2-2.5 बजे तक नेक कॉलर लगा के, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी ना, कॉलर लगा के ग्रंथों को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, इतनी मेहनत करके, इतने सुंदर सुंदर हमारे गोस्वामियों के ग्रंथ हमें दिए, कम से कम संग्रह कर लो। अभी पता चल जाना, नए फैशन की साड़ी आई है, नए फैशन का सूट आया है, हमारी अलमारी में पक्का टंगा होगा। हाँ सेल लग जाएगी, अभी सेल लग जाए कि सर्दियों में पहनने वाली जैकेट 50% ऑफ है, अभी खरीद लेंगे, चाहे ठंड पड़े ना पड़े। पर इन ग्रंथों को समझना, श्रील रूप गोस्वामी जी ने एक बात बोली है, क्या बात बोली, मैं सदैव अपने ग्रंथों में हूं। अगर उनका ग्रंथ मैं अपने घर में रखता हूं तो क्या रख रहा हूं, साक्षात रूप गोस्वामी जी को अपने ग्रंथ घर में रख रहा हूं। रूप गुरुदेव कहते हैं कि इन मेरे ग्रंथों में मैं तुम्हें सदैव मिलूंगा, तो उन ग्रंथों को संग्रह तो कर लो इस जीवन में। चलो उस दिन बात करी थी श्रद्धा की, ज्यादा समय नहीं लेते, शब्दों से आगे का एक सीढ़ी बताई उन्होंने, क्या है पता है कईयों को, जो सोपान है भक्ति के, पहली सीढ़ी क्या बताई थी, श्रद्धा। श्रद्धा के बाद उन्होंने कहा, जब हमारी थोड़ी सी श्रद्धा होती है, ठीक है, ये अपने अपनी पीठ पे थपथपी दो, क्योंकि आप सबकी श्रद्धा है, आप यहाँ बैठे हो, कुछ श्रद्धा बन गई है तभी यहाँ आए हो, क्या करने के लिए, साधु संग करने के लिए, क्या करने के लिए, साधु संग। ये दूसरी सीढ़ी है, पीठ में थपथपी दिया,
पीछे वाले आगे वाले को दे दो। क्या है श्रद्धा? अब तो ये थोड़ी सी श्रद्धा हुई है, ये श्रद्धा बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते क्या कर रही है, ये श्रद्धा धक्का मार रही है आपको। पता है जो घर से निकल के यहाँ आए हो, वाकई में मैं मजाक कर रहा था कि छोले भटूरे ने धक्का मारा, नहीं धक्का मारा है किसने, उस श्रद्धा ने। अरे गुरुदेव आए हुए हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथा कर रहे हैं, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। पर वो अलग बात है, हम क्या लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं वो एक अलग मैटर, पर ये श्रद्धा पे भी धक्का मार रही है। क्या करिए, यहाँ लेकर आई है, साधु संघ करवा रही है। अब ये साधु संघ क्या है, साधु संघ क्या है, ये साधु आ गए उनके संघ में रहो, क्यों यही है ना साधु संघ। फिर स्त्रियां बोलेंगी हम तो कर नहीं सकते, ये ब्रह्मचारी बड़ी है, घर पर छोड़ के महाराज जी के साथ चिपके हुए हैं, यही साधु संघ कर रहे हैं। क्या वही साधु संघ कर रहे हैं, आप कर रहे हो ना, कैसे कर रहे हो, यहाँ पे आके, क्या केवल यहीं पे आके साधु संघ होगा, बताओ मुझे। आप प्रभु जी मना कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा बताइए। हाँ, अपने गुरु महाराज जी का घर में बैठ के चिंतन करें, क्या चिंतन करोगे, उनकी फोटो का, चरित्र का, जो वो कथा सुना रहे हैं उनका, जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो वो चीज दे रहे हैं उनका, क्या हम कर रहे हैं, किसने कल की कथा सुनने के बाद सुबह से जो घर का काम किया उस समय ये सोचा कि कल क्या सुनाया था। हम करते हैं, एक रोटी डाली दूसरी रोटी बेल गए, अरे वो पॉइंट याद नहीं आ रहा, क्या था वो रोटी चल गई, बताओ क्या सुंदर बात है, मैं कथा याद करते करते रोटी जला दी, हुआ किसी के साथ ऐसा, जिस दिन होने लग जाए तो सोचना घर वाले बोलेंगे पागल हो गए, बोलेंगे। पर असली में अब असली वो साधु संघ का रंग चढ़ रहा है, देखना। अब यहाँ पे दो चीजें बताई गई कि साधु संघ हम कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य क्या है कि साधु के पास आना, साधु के वचनों को सुनना, समझना, ग्रहण करना और फिर आचरण भी करना है। अगर मैं सुन रहा हूं, समझ तो लिया, बुद्धि कईयों की तीव्र है, कई बैठे हैं बहुत तीव्र बुद्धि है, याद भी कर लेते हैं, पर आचरण अगर नहीं कर रहे तो साधु संघ नहीं हुआ। तो ये कहां पे कमी है पता है क्या है, उसमें कहा गया शास्त्रों में दो प्रकार का साधु संघ होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक होता है सुकृति युक्त, एक सुकृतियां हैं, अभी बताएंगे कि सुकृति क्या होती है, पर सुकृतियों के साथ वाला साधु संघ और एक बिना सुकृति के साधु संघ। सुकृति के साथ वाला साधु, सुकृति के बिना साधु संघ, उसका मतलब क्या है कि मेरी इतनी सुकृतियां, सुकृति क्या होता है, अच्छे कार्य, भक्ति वाले अच्छे कार्य, वो क्या है, बैंक बैलेंस है आपका भक्ति। जैसे हम संसार में पुण्य करते हैं ना, दान पुण्य कर लिया, ये खिला पिला दिया, ये कर दिया, ऐसे ही भक्ति के भी अच्छे कार्य होते हैं, हमने भगवान के दर्शन किए, परिक्रमा करी, प्रसाद पाया, हरिनाम किया, साधु दर्शन किया, धाम दर्शन किया, ये सब अच्छे अच्छे कार्य क्या है, हमारे बैंक बैलेंस में जुड़ते जा रहे हैं। और ये कार्य जैसे क्या होता है, अगर जितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, जितना बड़ा घर चाहिए, उतना बड़ा क्या चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, उतना पैसा चाहिए। तो ऐसे ही जितनी ज्यादा भक्ति करनी है, क्या जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे, जितना ज्यादा अच्छे से हमें अपना साधन करना है, उतनी ज्यादा ही क्या चाहिए, सुकृतियां चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस कम है। तो अब क्या करें, ये बैलेंस बढ़ाना है, तो ये बैलेंस कैसे बढ़ाएंगे, तो उसका भी उपाय साधु संघ ही है। साधु दर्शन करने से बैलेंस बढ़ेगा, साधु जैसा बोल रहे हैं उसको श्रवण करने से भी वो बैलेंस बढ़ेगा। क्या हरी कथा ही तो बोल रहे हैं, हरी कथा सुनने मात्र से बैलेंस बढ़ेगा, फिर उसको जो चेष्टा करेंगे पालन करने के लिए, समझना, अगर मैं घर, ये जो पैसा है, ये जो मटेरियल पैसा है, इसको खर्च करता हूं तो क्या ये बढ़ता है कि दुकानदार को 100 दिए 500 वापस कर रहा है, कभी ऐसा हुआ है, भूल से हो जाए अलग बात है, कि वो 100 का नोट समझ ले कि 1000 2000 का नोट दे दिया है तो 1900 आपको वापस कर रहा है, नहीं
पर ये धन ये सुकृतियां कैसी है, जितनी खर्च करने की चेष्टा करोगे वो बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो जो साधु संघ बिना सुकृति का था वो क्या करेगा, केवल साधु इस संघ में आ गए हो पर अभी क्या होगा, उत्सुकता नहीं होगी कि मैं वो पालन कर लूं, बस आके बैठ जाओगे, सोचते रहोगे, हरी कथा में उवासी आती रहेगी। पर वो कह रहे थे ना प्रभु जी, चाहे कुछ भी हो फिर भी बैठे रहो, क्यों, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि साधु के पास तो मैं आ गई या आ गया, साधु संग तो एक प्रकार का हो रहा है पर मन अभी मान नहीं रहा, इसका मतलब वो सुकृति बिना वाला है। तो मुझे क्या करना है, अभी सुकृति बनानी है, तो क्या करूंगी, मैं बैठी रहूंगी, दर्शन करूंगी, जैसी वो बातें बोलेंगे चेष्टा करूंगी, हो पाए ना पाए वो अलग बात है पर चेष्टा करूंगी। इससे करने से क्या होगा, जितनी थोड़ी बहुत भी है उसको खर्च करूंगी तो वो और बढ़ेगी, तो फिर दूसरे प्रकार का साधु संघ होगा, कौन सा, सुकृति युक्त। फिर सुकृति युक्त साधु संघ क्या करेगा, आज गुरुदेव ने ये बात बोली है, क्या बात बोली, कितनी बातें बोली पर मैं केवल दो अपनी पल्लू में गांठ बांध के लाई हूं कि ये दो करके रहूंगी, ठान लिया क्या कि गुरुदेव ने ये दो बात बोली कि हरिनाम अच्छे से शांति से एकांत में बैठ के करना है, ठीक है, जो भी खाएंगे जो भी खिलाऊंगी घर वालों को भोग लगा के खाऊंगी और केवल एक कृष्ण की शरण में जाऊंगी, ये हो नहीं पा रहा हमसे, सही बात बताऊ, केवल एक कृष्ण की शरण में है हम, मान सकते हैं नहीं भाई, वो 33 करोड़ भी तो बैठे हैं, कोई सा भी एक बुरा मान गया तो घर में आग लग जाएगी, वो भय बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। अरे जब महाराज जी यहाँ पे गुरुदेव यहाँ पे बैठ के समझा रहे हैं कि एक कृष्ण की शरण में आने से और उनकी भक्ति करने से किसी और को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी मैं वो कार्यों में क्यों लगा हुआ। फिर गुरुदेव समझाते हैं कि क्या करो, ये अच्छे अच्छे संस्कार लो, स्पेशली यहाँ पे पुरुषों को तो मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे से आए हैं, माता बहनों से रिक्वेस्ट है कम से कम उस पाश्चात्य देश के संस्कार छोड़ के हमारे भारतीय संस्कार में तो मठ में आओ। आप गुरुद्वारे गए हो कभी, कौन कौन गुरुद्वारे गया, एक बार जाना, पुरुषों को नंगे सर नहीं घुसने देते, स्त्रियों की तो बात अलग है, अब क्यों कर रहे हो, मतलब ये कहा गया, पता महाराज जी यहाँ बैठे हैं फिर भी मैं इस तरफ देख के बोल रहा हूँ, अगर हमारे श्रेष्ठ वैष्णव गुरु वर्ग हैं उनके सामने, या जैसे कहा गया पति ससुर श्रेष्ठ वैष्णव गुरु इनके सामने कभी नंगे सर मत जाना, श्री के लिए कहा गया पर क्या करें, दुपट्टे का फैशन ही नहीं है, सूट की दुकान में गए, एक समय जब प्रभु जी जा रहे थे कि ट्रेन में और गले में ऐसे उन्होंने ऐसे चदर डाले हुए थे, किसने कहा भाई ये क्या चीज है, ये गले में क्या डाले, जानते हो क्या अवसर दिए, भले लड़कियों ने छोड़ दिया ना हमने गले में डाले। एक दीदी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे ऐसी हंसी मजाक में बोल दिया, मैंने कहा दीदी ये चुन्नी लेना क्यों छोड़ दिया दीदियों ने या बहनों ने, कहते आजकल ना दुकानदार भी नहीं दे रहा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, तो दुकानदार से पूछा गया कि भाई इस सूट के साथ चुन्नी क्यों नहीं है, कहते कोई ले ही नहीं रहा, कोई पहन ही रहा, हम क्यों कपड़ा वेस्ट करें, जिसको चाहिए अलग से खरीद लेगा या मांग लेगा। इस चीज को समझो, आप खुद देखो जब यहाँ पे आओगे जाओगे आस पड़ोस को क्या लगेगा, लगेगी कोई बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी जगह, देखो खुद सोचो, एक कोई स्थान है वहां से ऊट पटांग के कपड़े पहन के घुस रहे हैं, ऊट पटांग के कपड़े पहन के आ रहे हैं, कैसा लगेगा वो स्थान, कैसा है, पता नहीं क्या है। और एक स्थान पे भाई पुरुष ये धोती कुर्ते में घुस रहे हैं, तिलक लगा रखा है, पंडित हाथ में माला, स्त्रियों को देख लो सर ढक ढक के जा रही है, मतलब बाकी स्त्रियां सोचेंगी इस स्थान में पक्का कुछ अच्छा है, भाई कुछ वहां अच्छी लड़की गई है वो भी सर ढक के चुनी, पक्का कुछ अच्छा अपनी बेटी को भी भेजूंगी, यहाँ पे क्या आएगा, ये
हमारा ही आचरण है कि हम जो मठ की जो मर्यादा है अगर हम उसका पालन करेंगे, ये मठ किससे बना है? क्या ये दीवार से ईंट पत्थरों से बना है? नहीं, ये किससे बना है? गुरुदेव से और हमसे ही तो बना है। गुरुदेव चेष्टा कर रहे हैं, उन्होंने ये मठ का मतलब क्या है अपना हृदय निकाल के बाहर रख दिया है। अब आपकी मर्जी है इस हृदय में क्या करोगे, या तो छाती में बैठ के मूंग लो, या उस हृदय में बैठे जो राधा गोविंद हैं उनकी सेवा की चेष्टा करो। और जो जो करेगा तो गुरुदेव भी क्या करेंगे, कहेंगे हाँ ये व्यक्ति है मेरे हृदय में रहने लायक, उसको रख लेंगे। और बाकियों को क्या करेंगे, कहेंगे प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, माता जी आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर हृदय में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हृदय में कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो वहां मुंह डल रहे। पर मजाक के विषय को छोड़ के हम थोड़ा सा सीरियस होंगे। नया नया मठ बना है, समझ रहे हैं, नया नया मठ बना है, नए ये लोग भी अभी सब आसपास के, उनके लिए नया स्थान है, तो हम इनको क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे अभी तो कह रहे हैं उनको उतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं लोगों को सामने आगे की नहीं दे पाएंगे, कम से कम ये दिखा देंगे कि यहाँ पे सनातन धर्म, शुद्ध सनातन धर्म का प्रचार केंद्र खुला है, ये भारतीय संस्कार को देने वाला है। पता फिर देखना कुछ दिनों के बाद कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जबरदस्ती आएंगे लोग कि यहीं से शायद हमें कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, अपने बच्चों को भेजेंगे, सब आया करेंगे। पर ये किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम सब पर, कि मठ में जब आए तो कैसे आए, उस संस्कार से। खाली यही नहीं कि स्त्रियों को बोल दिया तो स्त्रियां ही, पुरुष भी जब यहाँ आए अच्छे से सुंदर तिलक किया हो, ये सब देखो। हम बात तो बहुत बड़ी कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं में, पर उन्हीं शिक्षाओं में ही ये सब चीज भी आती है। उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति का प्रचार तो करना ही है, पर पहले आचार भी करना है, आचार से ही प्रचार होगा, ठीक है। तो साधु संघ कौन सा वाला करेंगे हम? सुकृति वाला। और सुकृतियां अगर नहीं है, ये आप खुद जान जाओगे, तो क्या करेंगे, उन सुकृतियों को बनाएंगे। तो सुकृतियां पता क्या है, ये तिलक लगाने से कितनी सुकृतियां होती है, कंठी पहनने से कितनी सुकृतियां होती हैं, ये वस्त्र धारण करने से ही सुकृतियां होती हैं। एक चीज बताओ, पूतना जब आई कौन सा वेश लेकर आई थी, किसका? गोपी का, गोपी ड्रेस, गोपी बन के आई थी। ठाकुर जी उसके वस्त्रों से ही रीझ गए, भक्ति तो करी नहीं, वस्त्रों से ही रीझ गए। तो गोपी बन के आओ, सुंदर ड्रेस अच्छे से पहन के, यहाँ पे पुरुष भी गोप बन बन के आए, आह वृंदावन बन जाएगा। ठाकुर जी कहेंगे यहीं रहूंगा और कहीं जाऊंगा। सच्ची, ठीक है, ये गुरुदेव का हृदय है ये स्थान, और इस हृदय को हम कैसे रखेंगे, अब कैसे रखेंगे बताओ, कैसे रखेंगे? साथ सच जैसा वो हृदय है उसको और डेकोरेट करेंगे। हम एक एक फूल बन जाएंगे, हम एक एक फूल बन जाएंगे और उस हृदय में लगते जाएंगे, और भी फूल लाएंगे और फूलों से इस हृदय को सुंदर बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। गौर प्रेमानंद लाल की जय, जय श्री राम, हरे कृष्णा। हाँ देखो, अभी हम लोग श्रवण करेंगे, कल जो कथा सुन रहे थे श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा प्रदान की थी, कल हम लोग ने श्रवण किया था, ये मानव शरीर कितना दुर्लभ है, जैसे धूल कणा को नहीं गिन सकते हैं, जगत में इतने जीव है उनको भी हम गिन नहीं सकते, लेकिन किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव शरीर प्राप्त होता है। इसलिए बोले देख इस दिनों हे तो सनेही, मानव ठाकुर ने कैसे कृपा करके बिना कारण के ये मानव शरीर हमें ठाकुर ने प्रदान किया, और विशेष करके श्री भारत भूमि में मानव जन्म, फिर हिंदू घर में सनातन धर्म में ये मानव जन्म लेना बड़ा भाग्य की बात है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। लेकिन उसमें भी कल हम क्या सुन रहे थे, मानव शरीर तो मिला है, लेकिन ऐसे कुछ मानव है
जो जंगली जानवर कभी भी जैसे रहते नंगे रहते सभ्यता व्यवता कुछ नहीं है ऐसे ही रहते हैं। उसके अंदर में कुछ लोग सभ्य में आते हैं और सभ्य में आ करके कुछ लोग क्या करते हैं जिनकी शास्त्र ग्रंथ में कुछ लोग जिनकी शास्त्र ग्रंथ में विश्वास नहीं लेकिन ये बड़ी सौभाग्य वाले व्यक्तियों को ये शास्त्र ग्रंथ में विश्वास होता है और जो उसमें जो विश्वास होता है उसमें भी बहुत सारे लोग है जिनको कर्म में बड़ी रुचि है। इसमें रुचि है कर्म करो बोले क्या कर्म करो बोले दान करो पुण्य करो दूसरों को दुख दर्द दूर करो है इसमें जिनकी बड़ी रुचि लेकिन इसको करने से क्या होगा बोले जी ब्रह्म लोक तक तो जा सकता है लेकिन पुण्य खत्म होते यही पर आना पड़ेगा। उसमें जो बड़ी सौभाग्य वाले व्यक्ति जिनको ज्ञान में निष्ठा होता है ज्ञानी में हम लोग कल श्रवण कर रहे थे लेकिन बोले गुप्ता ना अपनी सिद्धा ना नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सोभी महामुनि ऐसे करोड़ करोड़ ज्ञानियों में एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति प्राप्त करना भी बड़ा दुर्लभ वस्तु है लेकिन जो मुक्ति प्राप्त करने वाले में भी बड़ी सौभाग्यवान व्यक्ति जो नारायण परायण होकर के भगवान श्री नारायण को जो भक्ति करने वाले ये बड़ी सौभाग्यवान ये करोड़ों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति जो नारायण परायण होकर भगवान की भक्ति करते हैं जैसे हमारे बाबा यहाँ पर बैठे देखो तिलक देखो बाबा एकदम लंबे चौड़े तिलक एकदम नारायण है जो नारायण परायण लेकिन उसमें भी बड़ी सौभाग्यवान व्यक्ति फिर भगवान राम की भक्ति जो करते उसमें भी बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है कितने क्या क्या है कहते हैं पूर्ण है तब इसे को याद रखना मैं देखूंगा कल मेरे को बोल पाता है एक कृष्ण होने पर भी दस भेद में तीन है उनकी तीन धाम भी है एक है पूर्ण कृष्ण एक है पूर्ण तरह और एक पूर्ण कम बल्कि पूर्ण कम होते हैं कहाँ पर जब कृष्ण द्वारका में होते हैं वो होते हैं पूर्ण क्योंकि कृष्ण जब द्वारका में होते हैं वहां पर जितने लोग सबके सब भगवान को ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण वहां के जो भक्त हैं भगवान ईश्वर मानते हैं यही परम कृष्ण है सारे कारणों का कारण है सबका मालिक यही है इसलिए द्वारका में जो भक्ति है सबके सब भगवान को प्रभु अपना अपने को दास मानकर भक्ति करते हैं लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा जो रसमय भक्ति कभी मथुरा बोले क्यों बोले मथुरा में कृष्ण अपना महिषियों के साथ रहते हैं उनका बच्चे भी है उनकी बच्चे भी है उनको तो भगवान मानते हैं लेकिन कोई तो उनका अपना प्रियतम भी मानते हैं कोई अपना पिता भी उनको मानते हैं कोई उनको प्रभु मानते हैं कोई उनको दोस्त मानते हैं मानते तो है लेकिन वो जो मानते हैं लेकिन ऐश्वर्य भावना है मानते तो है लेकिन उसमें ऐश्वर्य भाव युक्त है अगर कृष्ण की थोड़ी ऐश्वर्य देखे ना डर जाते जैसे रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण अगर थोड़ी सी डांट देना समझा जाते कृष्णा को छोड़ देते कृष्णा में छोड़ नहीं दे इसलिए कृष्ण एक समय उन्होंने ठीटो लगी किसका साथ में रुक्मिणी को साथ में बोले रुक्मिणी कृष्ण देखा मेरे उसको ब्रज में गोपियों के साथ में ठीटो ही करता हूँ एक बार मथुरा में भी कर देता बोले रुक्मिणी तुमने मेरे से शादी करके बड़ी गलती कर तुमने मेरे से शादी करके बड़ी गलती कर दी काम में काले कलू थे काले कलू थे और तेरे को शादी शिशुपालों के साथ में इतना प्रताप शिशुपालों के साथ में शादी होने का था और मैं कहा काले कलू से शादी कर लिया है और मैंने बचपन में गया भी कहीं मैंने चुराई मैंने और मेरे पास में कुछ है ही नहीं और तू कहाँ राजकुमारी है राजकुमारी राजा घराने की तुम बेटी हो उनने थोड़ी सी ठिठोली कर दी बोले देखो अगर तुम चाहोगे ना अगर तुम चाहोगे मैंने इसलिए तुमको वहां से लेकर के आया हूँ
अपना इज्जत महान रक्षा करने के लिए। अगर तू अभी इच्छा हो ना, अभी भी तेरे को लेकर मैं शिशुपाल के साथ में 5 मिनट छोड़ सकता हूँ। बस इतना सोचते ही रुक्मिणी तो वहीं पर लुढ़क गई, वहीं पर गिर गई। फिर भगवान ने उसको बड़े कष्ट से उनको उठाया, फिर समझाया, मुंह में पानी की छिटा करवाया, बोले इतनी सी बात से तुमने इतने दुखी हो गई। ये रुक्मिणी सोचा सचमुच से प्रभु मेरे को त्याग नहीं कर दे। बोले ब्रज में अगर मैं गोपियों को बोलू ना ये बात, पहले तो गोपियां मेरे को कुंज से निकाल दी, कुछ तेरा कोई जरूरत नहीं है यहाँ घुसने का, तेरे कोई जरूरत नहीं है इसलिए। लेकिन ये कहते पूर्णता, लेकिन पूर्णता में कृष्ण कहाँ पर? बोले श्री वृंदावन में जब कृष्ण होते हैं वो होते हैं पूर्णतम, ये कृष्ण होते हैं संपूर्ण, जहाँ केवल उनको माधुर्य माधुर्य। लेकिन वो वृंदावन में हमने पर भी वहां पर भी 3 कृष्ण है वृंदावन में। कितने कृष्ण है क्या क्या बोल सकते हो? अभी कौन बोलेगा? जो बोलेगा सुखी नाम बोलना, बोलो माता जी। नहीं जब कृष्ण हमें ठीक है, लेकिन जब वृंदावन में भी 3 कृष्ण है, कैसे 3 कृष्ण है? उपासना करने वाले और उनको पात्सल्य रस में उपासना करने वाले और उनको श्रृंगार मधुर रस में उपासना करते हैं, उनको वहां भी 3 तरह का भक्त है। और जो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं और कृष्ण को अपना प्रियतम मानते हैं, और ये कृष्ण में भी जो उनकी मधुर रस में भी वहां पर भी भेद है। क्या क्या है? एक है सखिया और एक है परिज्ञा, एक सखिया और एक है परिज्ञा। सखिया मतलब है जिसको साथ में कृष्ण की है, जहाँ उनकी शादी की जो संबंध है। परिज्ञा मतलब बिना शादी के जो प्रेम है, बिना शादी के जो प्रेम है। वो गोपियों का अंदर में भी 3 प्रकार है, एक तटस्थ है और एक सौपक्य है और एक विपक्य है। वहां पर भी 3 भेद है। इस बात को कह रहे ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं एक कृष्ण में वो तो 96 तरह का उन्होंने उनको नायक बताया, 96 तरह का अद्भुत अद्भुत उन्होंने जो विभूचना दिया कृष्ण को, 96 तरह का 96 तरह का बताया रस भेद में है, धीरोदात धीरदत्त और धीर ललित, इस अद्भुत अद्भुत विचार उन्होंने बताए। लेकिन अभी कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान के जितने भक्तों ने, कहते गोपियां सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ये गोपियां भी जिनकी चरण की उपासना करती थी, किसकी? श्री राधा रानी की। राधा रानी की जो भक्ति है सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अभी गुरुदेव कहते हैं, अभी रूप गोस्वामी कह रहे हैं भैया वो भक्ति हमें फिर मिलेगा, वो भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति, अभी वो भक्ति मिलेगा कीजिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु एक सुंदर 2 लाइन मैंने बताए, देखो हो सके तो जो थोड़ी लिखिया खड़ी लड़कियां है ना, 2 लाइन को लिख लो और कोशिश करना ये 2 लाइन मैंने बताने के लिए, ठीक है? ये 2 लाइन लिख लो, लिख लो, लिखो जिसको पास में कापी और पेन है। बोले ब्रह्मांड भ्रमिते, लिखो ब्रह्मांड भ्रमिते, लिख लिया कौन भाग्यवान जी, लिखा कि नहीं? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, लिखा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज। ये जो 2 लाइन है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसके अंदर में इतने तत्व है। जब हमारे श्री प्रभुपाद कहीं भी कथा बोलते थे ये 2 लाइन को व्याख्या करते, केवल ये 2 लाइन को व्याख्या करो, पृथ्वी का सारे शास्त्र इसमें 2 लाइन में आ जाएगा। अभी हम इसको सुनेंगे, आज ही हम केवल इसी 2 लाइन को ही आज हम सुनेंगे, वो भगवान क्या कहना चाहते हैं। कहते अब कोशिश करना थोड़ी बहुत याद रखने की, ठीक है? कल में जो बोलेगा ना उसका हम इनाम देंगे, ठीक है?
उसको अच्छे तरह सुनना। और अभी तक तो हमारे लड़के लोग सब बोल रहे हैं, कल से लड़कियों का नंबर आएगा, जो जो बोलना चाहेगा, जो चाहेगा बोलना, हम उसको बोलना देंगे, ठीक है, जो बोल सकेगा। इसलिए कहते ब्रह्मांड भ्रमित एक और भाग्यवाद जी गुरु कृष्ण प्रसाद गाये दो लाए। देखो कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, मतलब है हम भगवान को भूल करके अनादि काल से ये माया के संसार में आए, और ये माया के संसार में हम क्या कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में 84 लाख ज्योति में हम भटक रहे हैं। कल मैंने बताया था 84 लाख जन्म किया है हम, ये 84 लाख जीवन में कभी राजा बनते हैं, कभी प्रजा बनते हैं, कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी मोहलोक में जाते हैं, कभी जनलोक में जाते हैं, कभी नीचे लोक में जाते हैं, कभी ये भक्त जगत में आते हैं। ऐसे ही ये संसार में हम जन्म मृत्यु का चक्कर में हम भटक रहे हैं। लेकिन भटकते भटकते हमारी जान और अनजान में कहीं भक्ति उन्मुख की सुकृति हो रही है, कहीं जान बुझ करके बात नहीं अनजान में है, कहीं भक्ति उन्मुख सुकृति। बोले भैया भक्ति उन्मुख सुकृति क्या है, बोले जो काम करने से भगवान की चरण में हमारे धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। देखो तीन चीज है, एक पाप है और एक पुण्य है और एक सुकृति। ये चीज को अच्छे तरह समझो, एक पाप, एक पुण्य, एक सुकृति। कल मैं सबको पूछूंगा, देखूंगा कौन बोलेगा, जो बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। कहते पाप कर्म उसपे कहते हैं जो वेद विरुद्ध धर्म है, वेद विरुद्ध धर्म जो दूसरों को कष्ट देना, सताना है, कहीं चोरी करना, डाकू डालना, बदमाशी करना, जुआ खेलना, अवैध रूप में स्त्री संग करना है, मांस खाना, मछली खाना, बीड़ी सिगरेट के दारू पीना, ये सब के सब ये पाप कर्म है। बोले इसका फल क्या, बोले नरक। फिर नरक में जब तुम्हारी भोग हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर किसी जगत में आओ, फिर किसी जगत में आओ। बोले पुण्य, बोले पुण्य किसको कहते हैं, जैसे दुखी दरिद्र को भोजन करना, स्कूल कॉलेज खोलना, अन्न छत्र खोलना, दूसरों को सुखी करना, दूसरों की सेवा करना, आदर करना, ये सब कैसे पुण्य करना है। बोले इसको करने से क्या होगा, बोले इसको करने से स्वर्ग जाओगे, मोहल्लों में जाओगे, जनरल लोग जाओगे, तपलों में जाओगे। लेकिन कब तक वहां रहोगे, बोले जब तक तुम्हारी पुण्य समाप्त नहीं हो जाता है, और पुण्य समाप्त होते ही फिर यही पर तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, फिर ये दो वस्तु खत्म नष्ट हो जाती है। तीसरा जो चीज है जिसका नाम कहते हैं सुकृति, एक पाप, एक पुण्य और एक हो गया सुकृति। बोले ये सुकृति क्या है, बोले सु मतलब होता है उत्तम, कृति मतलब उत्तम जो क्रिया, उत्तम जो कृति है। बोले ये क्या चीज है, बोले ये दो चीज जो है गुरु वैष्णव और भगवान के लिए जो होता है, कि जो पाप और पुण्य के शरीर संबंधी वस्तु, इसलिए जैसे शरीर नष्ट हो जाता है ये दोनों वस्तु भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे ऊपर एक वस्तु जिसको सुकृति कहते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होता। वो क्या चीज, बोले ये शरीर से ऊपर ये आत्मा संबंध जो वस्तु, ये आत्मा के साथ में इस आत्मा नित्य अजर अमर शाश्वत है, इसको साथ में संबंधित वस्तु ये सुकृति है। जब हम कोई काम भगवान और उनके भक्तों के लिए जब काम करते हैं, भगवान और उनको भक्तों के लिए जब कोई काम करते हैं, इसको कहते हैं सुकृति। लेकिन ये जो सुकृति कभी नष्ट नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे देखो सुकृति कैसे हो जाता है, मैं पहले बताया होगा, एक समय कार्तिक का महीना था, किसी ने ठाकुर जी के घर में दिया जला दी थी, और दिया बुझने जा रही थी, एक चूहा ने तेल खाने का आ गया। जब वो तेल पी रहा था उसको दांत में लग गया बत्ती, बत्ती लगते वो पीछे सरका, पीछे सरकते ही वो जो दिया बुझने जा रही थी दिया हो गया तेज, और उसको मुंह में आग लग गई, दो तीन बार छलांग लगा दी। देखो ठाकुर जी कितने दयालु, कितनी कृपा। बोले देखो ये कार्तिक का महीना था, ये दिया बुझने जा रही थी और उसने किया क्या, दिया को तेज कर दिया और मुंह में आग लग गया, तो दो तीन बार छलांग लगा दी, मतलब मेरे को उसने दिया दिखा के लिए मेरे सामने उसने निर्जल किया। देखो कितने पुण्य,
अगले जीवन में गुरु जी कथा सुना देते, अगले जीवन में वही चूहा राजकुमारी बनकर के जन्म हुई, राजकुमारी बनकर के जन्म हुई और उसके हृदय में भगवान की भक्ति बनी रही और उसने फिर प्रभु की भजन करना शुरू किया और भक्ति करते करते ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन में पटरानी बना करके उसको स्थान दे दिया। अगर एक चूहा तेल खाने के लिए गया और मुंह में आग लगते दो तीन बार छलांग, जैसे यहाँ पर नृत्य करते ना अब कीर्तन में बड़ा पुण्य है, ये पद्म पुराण में हरि भक्ति विलास में बताया ठाकुर को सामने जो नृत्य करता है, इसी जगत में भी ऐश्वर्य की प्राप्ति और परलोक में भी भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। जो भगवान के दरबार में नृत्य करता है बड़ा महिमा है, इसको क्या हो गया भगवान के लिए अनजान में उसको पता नहीं, लेकिन जैसे अनजान जैसे रास्ता में जा रहे मंदिर से कहीं प्रसाद बट रहा, प्रसाद होनी चाहिए ऐसे दाल भात सब्जी में प्रसाद ठाकुर को अर्पित होनी चाहिए। अगर आपने अनजान में पता नहीं सबको दे रहे खाना ठाकुर को भोग लग करके प्रसाद बट रहा है, अनजान में खा लिया सुकृति हो गया। देखो इसकी कथा सुनो, एक समय एक राजा की बेटी थी, उसको ऊपर में ब्रह्म दैत्य सवार हुआ, किसने सवार हो गया ब्रह्म दैत्य उसको ऊपर में आकर बैठ गया, कोई जादूगर कोई गुणी छुड़ा नहीं पाए। एक समय से रामानुज आचार्य उनको गुरु जी को साथ में गए, जब गए उनको गुरु जी भी मंत्र जानते थे, गुरु जी ने जब भूत को छुड़ाने के लिए गए ना भूत भूत कह रहे हैं तेरे मंत्र काम नहीं करेगा, तेरे मंत्र काम नहीं करेगा, तेरे साथ में ये जो रामानुज आचार्य ये बहुत बड़े संत है, स्वयं लक्ष्मण लाल है, अगर ये हमें अपना चरण धो करके अपना चरणामृत दे दे मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरी मुक्ति हो जाएगी। खैर वो कह रहा है वो भूत ब्रह्मदैत्य, बोले तेरे को पता है तू पहले जन्म में मगरमच्छी था, क्या था मगरमच्छी था, एक समय कोई एक संत भगवान को भोग लगा कर प्रसाद पाए, देखो यहाँ पर रोज जो प्रसाद पा रहे हो ना बड़ा मंत्र है साधारण बात नहीं, ये ब्रह्म दैत्य कह रहा है। बल्कि क्या हुआ एक संत ठाकुर को भोग लगा करके प्रसाद खाए, प्रसाद खा करके जो पत्तल में जो छुटन था उसने फेंक दिया पानी में, तो एक मगरमच्छी होकर वहां पर रह रहा था, और जब उसने फेंक दिया प्लेट को ठाकुर जी का प्रसाद, फिर संतों ने प्रसाद पाए, तुमने मगरमच्छी होकर के पानी में घूम रहा था, हठात तुमने वो जो पत्तल गिरा तुमने उसको झपड़ करके खा लिया, जब खा लिया चुके ठाकुर का प्रसाद संतों का प्रसाद, केवल ये संतों का प्रसाद पाने का वजह से आज तुमको ये जीवन तुमने ये जीवन मिला और इसका फल स्वरूप इतने बड़े साधु रामानुज आचार्य जैसे संतों की संगत को मिला। ये ब्रह्मदैत्य कह रहा है, ये ब्रह्मदैत्य कह रहे हैं वो गुरु इस पर रामानुज आचार्य जी वो गुरु जी को कह रहे हैं, इसलिए तेरे को इसने अभी जीवन प्राप्त हुआ। यदि ये अनजान में भी अगर भगवान की भक्ति और भगवान के प्रसाद हैं, जैसे यहाँ पर आप कथा सुन रहे हैं, साधारण मत समझो, साधारण मत समझो, रामायण कथा मैंने पहले सुनाया था, ये पृथ्वी में एक राजा थे जिनका नाम था सुमति सत्यवती और सुमति राजा रानी, सत्यवती और सुमति राजा रानी थे, और राजा रानी होते हुए ध्यान देकर सुना कल सबको ये बात पूछूंगा, पीछे कोई बात मत करो आपस आपस में हरे कृष्ण, कल सबको मैं पूछूंगा जो पीछे बैठे हो, पहले जो पीछे बैठे ना आपको खड़े करूंगा, इसलिए ये मत समझो पीछे बैठ करके मैं यहाँ सब देख रहा, बात मत करो आपस आपस में, इसलिए ये कहानी सुनना, मैं कल ये कहानी सुना पूछूंगा, देखो कौन मेरे को बोल पाता है। राजा रानी का क्या नाम था जोर से बोलो, कथा सुन नहीं लो, क्या था सुमति और सत्यवती, लेकिन ये देश का राजा होते हुए भी ये अष्टजाम, अष्टजाम मतलब 26 घंटा अपना हाथों से, उनकी राम दरबार था 26 घंटा अपना हाथों से ठाकुर का सेवा, ठाकुर जी का अर्चन, ठाकुर जी के लिए माला बनाओ, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना है अपना हाथों से करते थे, लेकिन थोड़ी सी समय मिल जाए ना राजा रानी बैठ करके, राजा रानी सामने बैठती थी, राजा बैठ करके वाल्मीकि जो रामायण को उन्होंने
हमको सुनाया करते थे। और थोड़ा ज्यादा अगर समय मिले ना, ऐसे ये माला लेकर के दोनों बैठ करके बोले रघुपति राघव राजा पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दोनों राजा रानी हरि नाम करते थे। एक समय एक संत आए जिनका नाम था विभांड। क्या नाम था? क्या नाम था? एक ऋषि, बड़े प्रताप ऋषि, कभी राज दरबार में आए और राजा रानी की भक्ति देख करके दंग रह गए। बोले हे भगवान, कहां देश का राजा रानी। लेकिन राजा रानी होते हुए भी वो नौकर चाकर से सेवा नहीं करा रहे, क्या कर रहे हैं? अपना हाथों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। देखो ठाकुर को सेवा करने का कितना महत्व है। तब उन्होंने पूछा, बताओ आप राजा रानी देश के, आपकी भावना ऐसे कैसे हुई? ये 24 घंटा ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति में आपको मन लगा कैसे? इतने में वो राजा ने कहा, बोले देखो बाबा, अभी तक ये रहस्य में किसको बताया नहीं, लेकिन आप संतो हो, संतों से कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, संतों से खुली बात करनी चाहिए। ये मैं एक जाति स्वर हूँ, जाति स्वर मतलब जिनकी पूर्व जन्म की बात याद रहे। ये रामायण में वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले बात कह रहे हैं। पर भगवान की कथा सुनने का कितना महत्व है। ये मैं मेरे 4 जन्म की बात मेरी याद है। कितना जन्म की? 4 जन्म की बात मेरी याद। बोले 4 जन्म की? बोले हाँ। बोले बताओ क्या है? बोले सुना, 4 जन्म से पहले मेरा नाम था मालक, बड़ा दुष्ट था, ऐसे कोई गंदा पाप कर्म नहीं जो मैंने नहीं किया, ना परस्त्री, गमन करना, चोरी करना, बदमाशी, दुष्टता करना, मांस खाना, जुआ खेलना, सारे पाप हमने की। परिवार वाले दुखी होकर घर से मेरे को निकाल दिए। मेरी जो पत्नी, इसका नाम थी काली, इसने अपना पति को उसने हत्या कर दी, इसके परिवार भी इसको घर से निकाल दिया। अतुल प्रभु जी इधर आ जाओ, इसलिए इनकी परिवार भी इनको घर से निकाल दिए। अभी दोनों जंगल में घूमते घूमते अकेले जीवन बीत नहीं रहा था, इसलिए एक समय हम दोनों इकट्ठे रहने लगे। अभी सारा जीवन तब फल फूल जानवर को मार करके मांसाहार करते हुए जीवन बिताया, लेकिन जब हम दोनों वृद्ध हो गए, हमसे आहार संग्रह नहीं हो पा रहा, बड़ी कष्ट से जीविका निर्वाह कर रहे थे। हमारे पास में था वशिष्ठ जी का आश्रम, हमने देखा कुछ लोगों को वहां पर एकत्रित होते हुए, हमने सोचा भैया आज इतने लोग क्यों हैं। हमने वहां पर गए और देखा वहां पर 9 दिन तक रामायण कथा हुई, जैसे हम लोग यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी की कथा सुन रहे हैं। उन्होंने सुना 9 दिन तक भगवान राम की कथा होगी, जो कथा में आएगा कथा को बाद में उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था। वाह, अब तो 9 दिन तक कोई खाने पीने का कोई चिंता नहीं, कथा में आओ, कथा सुना, फिर प्रसाद मिलेगा। हमने प्रसाद लोग से वहां जाते थे, बैठ करके वहां कथा सुनते थे। जी देखो, आप लोग जो प्रसाद नहीं पाने के लिए आते हैं ना, बड़ी भाग्यवान है, साधारण भाग्य से प्रसाद नहीं मिलता है। नारद जी को तो कितने हजार साल लक्ष्मी की चरण की सेवा करनी पड़ी, जा करके नारद जी को थोड़ी सी प्रसाद मिला, नारद पागल हो गए। शंकर जी को यदि चीटका मिला तो शंकर भी ताकदम नृत्य शुरू किया, लेकिन पार्वती को नहीं मिला है ना। पार्वती प्रसाद को पाने के लिए उन्होंने कैलाश त्याग दी और जगन्नाथपुरी में विमला रूप में बैठी हुई
केवल जगन्नाथ ठाकुर को प्रसाद पाने के लिए उन्होंने भाई कैलाश को त्याग दिया, बड़े भाग्य से ठाकुर जी की प्रसाद, बड़े किस्मत वालों को भी प्रसाद मिलता है। इसलिए हम प्रसाद का लोभ से कथा सुनते थे। जब 9 दिन तक कथा समाप्त हो गई, जब हमारे दोनों को मृत्यु हुई, हम जमदूत पकड़ कर ले गए। अभी जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य। बोले महाराज ये तो कोई पुण्य ही नहीं कि पाप ही पाप, दोनों ही दुष्ट है। बोले देखो तो थोड़ी बहुत तो पुण्य होगा। बोले हाँ इनकी थोड़ी सी पुण्य है। बोले क्या थोड़ी सी पुण्य है? बोले ये दोनों ने वाल्मीकि के आश्रम में 9 दिन तक भगवान की कथा, राम की कथा सुने और भगवान की प्रसाद पाए, केवल इतना पुण्य। तभी ये जब महाराज इतने सुनते ही बोले इनका जितने पाप को काट दो, सारे पाप को काट दो, इनके सारे पाप को काट दिए और हम दोनों को उन्होंने रमा वैकुंठ में भेज दिया। 100 साल तक वहां पर रहे। फिर ब्रह्मलोक में 100 साल तक वहां सारे भोग किए, स्वर्ग लोक में 100 साल, फिर पृथ्वी में हमारी ठार बार पर देख रहे हो। अभी सारा दुनिया का राजा रानी सारी ऐश्वर्य को भोग कर रहे। अगर हमने अनजान में भगवान की प्रसाद और भगवान की कथा सुनने पर अगर इतने पुण्य हो सकती हैं, अगर कोई भक्ति से भाव से भगवान की कथा सुने तो उसको कितने पुण्य नहीं होगी। इसलिए हम दोनों पति पत्नी समय को बर्बाद नहीं करते हैं। समय मिले तो अपना हाथों से ठाकुर को सेवा, अपना हाथों से श्रृंगार और स्वयं माला लेकर के, माला लेकर क्या करते हैं? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। देखो इसको कहते अज्ञात सुकृति, अनजान में भगवान और उनके भक्त दोनों संबंधी अगर कोई काम हो गया तो इसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। इन जो चीज है कभी नष्ट नहीं होगा, भाई पाप नष्ट हो जाएगी, नरक भोग करके पुण्य भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये सुकृति कभी तुम्हारी नष्ट नहीं होगी। ये क्या होगी? केवल तुम्हारी जमा रहे, ये केवल तुम्हारी ठीक से डिपोजिट होता है। हाँ देखो और कैसे सुकृति होती है। बोले एक समय एक संत थे, एक गांव में रोज जाते थे भिक्षा करने के लिए। लेकिन उनकी भावना क्या थी? अगर कुछ चावल दाल सब्जी देंगे इसको हम ठाकुर को सेवा में लगाएंगे, संत सेवा में लगाएंगे, इनकी कल्याण हो, इसको करने से सुकृति होगी। लेकिन एक माता जी थी बड़ी कंजूसी, जिसके हाथ से 1 रुपया भी नहीं निकलती, 1 रुपया भी उसके हाथ से निकलते नहीं, वो बड़ी कंजूसी थी। वहां पर संत जाए ना रोज गाली, बोले गाली के शर्म नहीं लगता है, ना काम नहीं कर पाता, मांगने के लिए आ गए, रोज गाली देते थे। लेकिन वो संत बड़े दयाल चाहते थे, इसकी किसी ना किसी तरह से उसका कुछ वस्तु ठाकुर को सेवा में लगे, इसकी कल्याण हो। संत बड़े दयाल हुए। एक दिन संत सवेरे सवेरे पहुंच गए, बोले माता जी कुछ भिक्षा दो। पहले मिट्टी और गोबर से घर पोतते थे, वो सवेरे सवेरे मिट्टी गोबर से घर पोत रहे थे। जब सवेरे पहुंचे माता जी को जो भिक्षा, बोले दारी के सवेरे सवेरे है, सवेरे सवेरे तू आ जा भिक्षा लो ले। वो जो कपड़ा था ना मिट्टी और गोबर से मार फेंक करके मारे। संत बड़े दयालु है, बोले भैया अभी तक तो कुछ दे ही नहीं रहे, आज तक कुछ ना कुछ दे नहीं। इसलिए उसको लेकर के मल मल करके पानी में धोए, धूप में सुखाए, सांप को बत्ती बनाए, घी में उसको डुबो करके उन्होंने ठाकुर जी को शाम का आरती करे। बोले जय जय राधा कृष्ण दुर्गजननी, आरती कराए ललिता हरिम।
क्या शुक्र की क्या होती है, लेकिन वो जो कपड़ा थी किसकी, वो बूढ़ी माता की। जब वो कपड़ा वो बूढ़ी माता के ठाकुर को सेवा में लग गया, ठाकुर जी की आरती उतारने लग गए, क्या हुआ, अपनी आप उसका हृदय अपनी आप परिवर्तन हो गया, अपने आप हृदय परिवर्तन हो गई। वो अपने आप सोचने लग गए, हाय रे मैं तो बड़ा दुष्टा थी, संत कितने दयालु कितना कृपालु, वो हमारी कल्याण करने के लिए आते हैं, हैं मंगल करने के लिए आते हैं, हमने तो कुछ दिया नहीं और मिट्टी कपड़े से पोते हुए कपड़े को मैंने कहा फेंक करके मारा, मेरी से गलती हो गई, कल जब ये संत आएंगे ना जरूर इनकी मैं कुछ सेवा करूंगी। अभी दूसरे दिन जब संत आए, रोज तो गाली देती थी लेकिन वो गांव में रोज संत आते थे, दूर से देखे ना देख कर बोले बाबा आज मेरे घर में भी आए हो, बोले भैया इसका आज क्या हो गया, रोज से ही गाली निकाल देती आज बुला रहे है क्यों। जब उन्होंने आई फिर उनको आसन देकर बैठा, एक माफी मांगी और कुछ उन्होंने सेवा की। देखो इसको तो इसलिए नियम है ना, हम जो पैसा कमाते हैं उसका एक चौथाई हो नहीं तो 10% हो नहीं तो कुछ ना कुछ परसेंट क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी और भगवान की सेवा में लगा, ठाकुर जी और संतों सेवा में लगा, उसको जरा हमारी सुकृति होगा। अगर सारे पैसा जो कमा रहे हैं अगर तुम अपना सेवा में लगाओगे तुम्हारे कल्याण कैसे होगा, वो पैसा कर तन मन धन से सेवा करो, शरीर से हो सके अच्छी बात है, अगर तन मन से हो सके नहीं हो तो धन से करो। क्यों, हम जो पैसा कमाते हैं हम शरीर का परिश्रम से वो पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा जब ठाकुर जी की सेवा में भक्त सेवा में लगेगा क्या होगा, तुम्हारी सुकृति बनेगी और सुकृति जब पुष्ट होगी भजन में तभी तो मन लगेगा। जिसके लिए पैसा जहाँ लगाओगे मन तुम्हारी वहीं पर लगी रहेगी, लेकिन जब वो चीज भगवान की सेवा में लगेगी। देखो ये जैव धर्म में एक कथा आई है, बोले एक समय ध्यान देकर सुनिए जैव धर्म की कथा है, एक समय एक व्यक्ति बड़ी कंजूस है, एक पैसा भी कहीं भगवत सेवा में नहीं लगाता, सत्संग में नहीं जाता था, बोले क्यों, बोले सत्संग में जाएगा तो कभी एक रुपया देना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो सत्संग में नहीं जाता था, अभी केवल पैसा कमा 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 के रखने लग गया बच्चों के लिए। अभी पिताजी का स्वभाव भी बच्चों के अंदर में आएगा, वो पिताजी का स्वभाव धीरे धीरे बच्चों के अंदर में आए, सत्संग में जाओ ना तभी हृदय क्या होता है, हृदय कोमल होता है, सत्संग में जाओ तो नहीं, क्यों सत्संग में सुनाते हैं ना, क्या सुनाते हैं, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु न महिमा, यही तो साधु जी सिखाएंगे, सवेरे उठ करके पहले माता जी की चरण छो, पिता जी की चरण छो, गुरुजन की सेवा करो, सबको आदर दो, पिता माता को कोई कठोर वचन मत कहा करो, भगवान की भक्ति करो, तभी हृदय तो कोमल होगा। अभी सत्संग में नहीं जाए तो क्या होगा, धीरे 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 पिताजी का जो गुण बच्चों में आने लगता है, ये बच्चे भी पिताजी से ज्यादा कंजूस निकाले। घर में जब शादी हुई अभी घर में बहुएं आई, जो बहुएं आई ये बहुओं के अंदर में भी नहीं घुमाने लगती, दया भाव खत्म। जब बच्चों की शादी हो गई अभी क्या हुआ, ये बच्चे सोच रहे हैं ये पिता माता कब जल्दी से जल्दी मरे, और इन्होंने जो पैसा को रखा इसी घर में रखा है, ये पैसा हमें कब मिले, हैं ये पैसा कब मिले, अभी ये पिता माता की मृत्यु की धारणा सोचने लग गए और पिता माता की सेवा नहीं कर रहे। एक दिन पिता बड़े दुखी हो गए, बोले मैंने इतने कष्ट करके सारे पैसा बच्चों के लिए रखा और ये बच्चे हम लोग आदर नहीं करते हैं, हाँ भोजन भी ठीक से नहीं देते। एक दिन पिता ने तीन बच्चे ये जैव धर्म की कथा है, तीनों बच्चों को बुलाए, बोले देखो बच्चों हम लोगों ने अच्छे नहीं खाए अच्छे नहीं पहने, ये सारे पैसा को तुम लोगों के लिए हमने रखा, लेकिन तुम लोग का व्यवहार देख करके बड़ा कष्ट होता है, हम लोग प्रेम से बात नहीं करते हो, खाना पीना भी नहीं देते हो, देखो जो बच्चा हमारी ठीक ठीक सेवा करेगा ना ये पैसा हम उसे देंगे। ये बात सुन करके तीनों बच्चे चले गए और तीनों बच्चे बैठ करके मीटिंग किया, बोले देखो ये बूढ़ा पता नहीं पैसा किसको देगा नहीं देगा, एक काम करो
ये दोनों को तीर्थ यात्रा में ये दोनों को भेज दो, फिर हम घर में ताला तोड़ कर किसी घर में सारे मार ले और सारे संपत्ति तीनों बांट ले। उन्होंने क्या किया, बोले पिताजी आपके जीवन में कहीं तीर्थ नहीं गए? बोले नहीं नहीं। बोले कलि युग में विशेष करके बताया जो नवद्वीप धाम है ये सबसे बड़ा पुण्य स्थान है। नवद्वीप धाम ये शंकर पार्वती को स्वयं कहते हैं, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है करोड़ों करोड़ बार जाओ, अगर एक बार से नवद्वीप धाम में जाओ, ये शंकर स्वयं पार्वती को कहते हैं, जो एक बार जाएगा उसको करोड़ों करोड़ों ज्यादा पुण्य फल मिलेगा और उसका सारे अपराध दूर हो जाएगा। आप दोनों पति पत्नी दोनों पिता माता नवद्वीप धाम परिक्रमा में जाओ, वहां पर दर्शन के लिए जाओ। पिताजी बड़े खुश हो गए, लगता है बच्चों का मन बदल गया है। बोले देखो तुम लोगों के लिए नाव की व्यवस्था कर देते हैं, आप लोग गंगा में नाव में जाओ। लेकिन तो बड़े कंजूसी थे, बोले नाव की जरूरत नहीं, हम चलते चलते चल जाएंगे, नाव की जरूरत नहीं। बोले ठीक है, उनको साथ में एक बूढ़ी माता जी स्थिर कर दिए कि आपकी सेवा करेगा जाओ। जब गए ना, तीनों बच्चे ने घर का सारे ताला को तोड़े और जितने सोना चांदी संपत्ति उन्होंने तीनों में वापस बांट करके सारे पैसा दे। किसने वो गांव से नवद्वीप में गए, भले तुम लोग उधर तीर्थ में आ गए और तुम्हारी घर को तोड़ करके तीनों बच्चों ने सारे संपत्ति ले लिया, सारे संपत्ति को छीन लिए, अभी सुन करके सारा जीवन खाए नहीं पहने नहीं, एक एक पैसा को जोड़ जोड़ कर जब सुने ना रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। इतने सोचे बोले देखो हम जिंदगी भर ठाकुर को सेवा संतों की सेवा नहीं किया, एक काम करते हैं और घर में नहीं जाएंगे, घर में नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रह करके एक दुकान खोल करके उसमें जो लाभ होगा ना कुछ साधु संतों की सेवा ठाकुर को सेवा में लगाएं। कुछ दिन बाद में फिर घर में जाने की इच्छा हुई, भले जो कुछ होने पर बच्चे ही है ना, चलो एक बार जाते हैं, बच्चे है ना, लेकिन उनको साथ में जो एक वैष्णवी थी, बोले खबरदार अगर इस बार गए ना बोलो भैया पैसा कहाँ गए, इस बार तो छोड़ दे, इस बार जान से तुम दोनों खत्म कर देंगे, जान से खत्म कर देंगे, इसलिए मत जाएगा और यहीं पर रह करके सत्संग करो और भगवान की भक्ति करते रहो। फिर वहीं पर नवद्वीप धाम में रह कर उन्होंने वहीं पर भजन साधन किए और रोज रोज एक साधु सेवा करते थे। इसलिए देखो अगर पिता माता जी भक्ति करेंगे भजन करेंगे ना, ये संस्कार बच्चों को बल पड़ेगा, ये बच्चों को बल पड़ेगी, बच्चे भी संस्कार करेंगे, वो भी पिता माता की सेवा करेंगे। और इसलिए नियम है, क्या नियम है, हमारे जितने कमाई थोड़ी बहुत ये अच्छे काम में हमारी लगनी चाहिए, तभी इसको कहते सुकृति। ये जो सुकृति जो पूंजीभूत होगा बड़ा रूप धारण करेगा, इसका फल क्या साधु संग, इसका फल क्या होगा साधु संग, इसका फल भगवत इच्छा से। बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन, तो प्रभुपाद कहते हैं कौन भाग्यवान जीव, किसी भाग्यवान जीव को ये साधु संग मिलता है। तब भैया कहते भैया कौन, बोले ये कौन मतलब क्या है, जीवन में किसको ये साधु संग मिलता है, ये साधु संग किसको मिलता है ये साधु संग, बोले जिनको पूर्व पूर्व जन्म में जिन्होंने बहुत सुकृति इकट्ठे किए हैं, बहुत सुकृति इकट्ठे किए हैं, उन्हीं को ही जीवन में ये साधु संग मिलेगा, नहीं तो साधु संग नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर जो आए ना, आप लोग ने पूर्व जन्म में करोड़ों करोड़ों जन्म की जो पुंज बुद्धि जो सुकृति कहीं ना कहीं गुरु वैष्णव साधु के लिए आपने कुछ किया है, तभी आपको इसी जीवन में यहाँ पर साधु संग की प्राप्ति हो रही है। फिर जो दूसरी लाइन में जो बात बताए ये बड़े महत्वपूर्ण बात है, बड़ी महत्वपूर्ण कि भगवान खुद कहते हैं कैसे गुरु कृष्ण के प्रसाद में ये भक्ति लता बीज कैसे प्राप्त होता है और धीरे धीरे ये भक्ति कैसे बढ़ती है, हम ये चीज को हम इसको कल सुनेंगे। महाप्रभु क्या कहते हैं, असल प्रभुपाद क्या कहते हैं। अभी हमारे बीच में अतुल कृष्ण प्रभु जी है, प्रभु जी इधर आ जाओ, प्रभु जी बहुत तैयारी करके आए, क्या प्रभु जी क्या चक्कर है, अब क्या सब भूल गए हैं? ठीक ठीक है, इसलिए जी तुम इधर आ जाओ, आ देखो इधर, हरे कृष्ण, देखो आप लोगों को हरे कृष्ण, आज आप लोगों को
हम कुछ चीज को सिखाना चाहते हैं आज आपको, रोज रोज हम जितना दिन कथा होगी आपको रोज रोज थोड़ी थोड़ी चीज अच्छी अच्छी चीज आपको सिखाएंगे। आज आपको जो सिखाएंगे, आप लोग घर में रोज ठाकुर का आरती करते होंगे। ठाकुर जी आरती करते हैं? कौन कौन ठाकुर जी का आरती करते हो? आप लोग सबके सब ठाकुर जी की आरती करते हो। लेकिन ये आरती में जैसे धूप, ठाकुर जी का हम धूप दिखाते हैं, ठाकुर जी को दीप दिखाते हैं, पानी दिखाते हैं, ये क्या चीज है और इसको कैसे दिखानी चाहिए और इसको किस रूप में दिखानी चाहिए? आज इस चीज को आपको रोज रोज जितना दिन कथा होगा ना, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सिखाएंगे। कल सिखाएंगे ठाकुर कैसे भोग लगाओगे, आज आपको सिखाएंगे ठाकुर जी को दूसरा रंग, ठाकुर जी को कैसे आप आरती उतारोगे। यहाँ पर हमारे प्रभु जी, छोटे प्रभु जी, ये आपको बताएंगे ठाकुर जी को आरती उतारने का विधि विधान कैसे। आप लोग ये चीज को ध्यान देकर के देखो, एकदम ध्यान से देखो। हम तो करते हैं लेकिन अपना मन में जैसे आता ना ऐसे घुमा देते हैं, लेकिन कैसे घुमानी चाहिए, कहाँ घुमानी चाहिए, ये चीज को आपको बताएगा। अच्छे तरह से सुनो और ऐसे ही ठाकुर जी को करना। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत श्रीराधे श्रीवासव हरे कृष्ण 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 हरे राम। अर्थात जोर से बोलो हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग आचार्य वृंद समस्त उपस्थित कल श्री गुरुजी बोले थे हरे कृष्ण कि हर दिन जैसे मठ में तो सारे पूजा विधि सब लोग जानते ही हैं, परंतु जो साधारण गृहस्थ भक्त लोग हैं उनको किस प्रकार की करते, तो पूजा तो थोड़ा बहुत सब लोग करते हैं, भोग आदि लगाते हैं, परंतु जिस प्रकार विधि के हिसाब से किस प्रकार कर पाए। तो गुरुजी काल बोल रहे थे, तो अनिरुद्ध प्रभु को भी बोल रहे थे, बोले तो उसके लिए प्रोजेक्टर लगाएंगे और पर्चा भी बनाएंगे, सबको सिखाएंगे धीरे धीरे। तो आज जैसे शाम का आरती, संध्या का आरती, कि सर्वप्रथम आरती के लिए जो पूजा होता है उसके लिए कुछ उपकरण चाहिए। पहले तो एक बड़ा सा थाली, फिर एक घंटी, एक आसवन पात्र, एक छोटा सा शंख जिसमें शंख जल और उसका स्टैंड और एक कपड़ा, और उसके साथ एक बजाने का शंख, एक विसर्जन पात्र। इसका जब हम पर्ची बनाएंगे तो उसमें सारा कुछ उसमें आएगा। तो आप लोग समझ रहे हो, जैसे कह रहे हैं आरती करने के लिए उसके लिए कुछ सामग्री की जरूरत है। जैसे एक थाला में जैसे घंटा बजाते हैं ना, घंटी बजाते, घंटी होनी चाहिए। जैसे धूप देते हैं, धूप का एक स्टैंड होता है, एक स्टैंड होनी चाहिए। और जो दिया जलाते हैं ठाकुर जी को, उसमें इसमें भी एक दीप दानी होती है। और एक होता है छोटी सी एक शंख होता है, छोटा सा एक शंख होता है, और उसमें शंख को जो रखते हैं उसके लिए स्टैंड की जरूरत है। शंख को रखने के लिए स्टैंड की जरूरत है, और उसमें एक रुमाल भी होती है, हाँ? एक रुमाल भी उसमें होती है। ये सब चीज होनी चाहिए, और थोड़ी सी फूल हो तो बहुत अच्छी बात, थोड़ी सी उसमें फूल होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम जो सर्वप्रथम स्नान करने को करा, जैसे द्वादश तिलक, द्वादश अंग में तिलक करेंगे, और उस समय जैसे गम गए तो जमने चाहिए, गोदावरी सरस्वती नाम है जो सिंधु चावरी जलस में संजम, इस मंत्र जो है
अगर जिसको याद भी नहीं है जो जो पर्ची है उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। जैसे सवेरे नहा धो करके आप लोग जरूर तिलक लगा, क्योंकि तिलक के बगैर आप ठाकुर को सेवा करने का अधिकार नहीं है। अब देखना जब कोई पुजारी पूजा कराने आएगा जब तक आपको तिलक नहीं लगाएगा पूजा नहीं करवाएगा। क्यों? तिलक के बगैर जो पूजा के निष्फल हो जाता है। इसलिए जरूर ये गोपी चंदन को जरूर ये गोपी चंदन जरूर लगाया करो। और जैसे आप लोग कोई बोले नहीं हम ऑफिस में जाते हैं इसको तो लगा ही नहीं सकते, बोले नहीं अब उसको इतना गाढ़ा रूप में नहीं ले करके उसका हल्का रूप में लो। और जो माताएं घर में रहती हैं आपको तो लगानी चाहिए। अगर जिनको ऑफिस में जाकर लगा कर चलता है जैसे हमारे अशोक प्रभु जी, हाँ ये पास में ऑफिस है, ये तिलक लगाकर धोती पहनकर चले जाते हैं। ये पास में जाकर के प्रभु जी धोती पहनकर भी ऑफिस में ही बैठते हैं और पूरा तिलक माला कट्टी लेकर के पूरा ऑफिस में जाते हैं। इसलिए अगर जहाँ हो सकता है चलता है आप लगा कर जा सकते हो अच्छी बात है, क्योंकि जो तिलक लगाते हैं अगर तिलक को एक बार कोई देख लिया ना बोले तिलक दर्शन और ठाकुर दर्शन करने का एक ही फल है। और मैंने पहले आपको तिलक का महिमा मैंने बताया था, आपको याद होगा। क्या याद है? जैसे कई अगर कोई व्यक्ति कोई भगवान की एक मंदिर हरि मंदिर को कोई स्थापन कर दे तब उसका कितना महिमा, बोले आगे का 21 पीढ़ी और पहले का जो 21 पीढ़ी ये वैकुंठ गमन करते, ये पद्म पुराण हरि भक्ति क्लास में बताया। आगे का 21 स्पीड और पीछे का 21 कितना हो गया 41 स्पीड उनको भगवत धाम में गमन करते हैं। अगर एक हरि मंदिर कोई स्थापन कर दिया लेकिन हम लोग शरीर में कितना तिलक लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं। और ये एक तिलक नहीं ये भगवान के मंदिर हरि मंदिर है। इसलिए हरि भक्ति विलास ने बताए अगर जो व्यक्ति 12 जगह पर तिलक लगाएगा मतलब भगवान की बार विष्णु मंदिर को स्थापन कर रहा है, बार विष्णु मंदिर को उन्होंने स्थापन कर रहे हैं तब तक कितने पुण्य हो। इसलिए तिलक को ढीला ढीला नहीं करनी जरूरत नहीं, ऐसे नहीं मंदिर में आते हो नहीं गुरु जी डांट लगाएंगे इसलिए तिलक लगाते हो, नहीं ठाकुर तो देख रहे ना, हमें नहीं दिखाना, दिखाना किसको है, ठाकुर जी को दिखाना है। जरूर तिलक लगाया करना, तिलक लगा करके फिर क्या करना ठाकुर जी को जब आरती करने जाओगे, मैंने हरि नाम जब आपको दिया होगा उसी समय में आपको मैंने एक पेपर दिया है, वो पेपर में कैसे तीर्थ को बुलाओगे गंगे से जमुने चय को गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि गुरु नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो विवा जस मरेद पुण्यकाख्यम सवाया बैठो सूची। इसको बोल करके ये पानी को तीन बार सर में इसको छिड़काव करना, फिर तीन बार आचमन करना माधवाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः, फिर तिलक को स्थापन करना ललाट केशवाय नमः उदर नारायण भक्त माधव कंठे गोपित दक्षिण पार्श्व विष्णव मधुसूदन त्रिविक्रम वामनाय नराय ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर और वासुदेव बस 12 जगह पर स्थापन करना मतलब भगवान हमारी 12 जगह पर बैठ गए। अभी आप एकदम पवित्र हो गए, ठाकुर का आरती करने जा रहे हो पूजा करने जा रहे हैं बैठ बैठ कर गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सारे तीर्थ आरती नहा दिया, फिर जाकर के आपको आरती उतारनी चाहिए। बाद में आपको हम एक छोटी सी पेपर में इसको बनाएंगे, इसको एक छोटी सी पेपर में बना करके आपको हम बंटवा देंगे कैसे उसके बाद में क्या करें। तो उसके बाद जो आरती का सारा सामान जैसे अगरबत्ती लेते हैं तो धूप का दिया हुआ है 1 नहीं तो 3 नहीं तो 5 नहीं तो 7 और जो दीप दिया भी 1 होगा नहीं तो 5 रुपए दीप होगा। तो उसको सजाने के बाद उसके सारे में हम क्या करेंगे ना जो गोपाल मंत्र है 8 बार गोपाल मंत्र सब में पढ़कर उसको शुद्धि करेंगे। तो फिर उसके बाद जब दीप और लगा दिया उसके बाद जो अशोक पात्र में पानी चढ़कर 4 बार घुमाकर नीचे डालेंगे। फिर दीप पहले तो धूप लेंगे, धूप का ये नियम है कि धूप जो है नाभि देश से ठाकुर जी का नाभि देश से नीचे ही जाएगा
कहीं देखते हैं धूप ऐसे पूरा घुमाते हैं, ये विधि नहीं है, अर्चन का विधि है क्या? धूप जो है नाभि देश के नीचे, आप लोग समझ रहे कि नहीं? जैसे वो जो धूप है, जब हम धूप को हम घुमाते हैं, कोई उधर कोई मुंह में घुमाता है नहीं, उसका नियम है धूप घुमाते समय एक हो नहीं तो तीन ही हो नहीं तो उधर पांच हो, लेकिन घर में आप एक ही धूप दो, एक धूप दो, ठीक है, एक धूप दो और एक दिया से कोई पांच कोई तीन ऐसे देते हैं, तुम्हारी समर्थ के अनुरूप आप कर सकते हो। समर्थ के यहाँ अगरबत्ती, अगरबत्ती जो धूप मतलब अगरबत्ती है ना, कहते जो अगरबत्ती केवल ये अगरबत्ती पे जब हम घुमाते हैं एक नहीं तो दो तीन हो नहीं तो पांच हो, लेकिन आप लोग घर में एक दो अगरबत्ती, अगरबत्ती को नाभि से ठाकुर का नाभि देश से ऊपर ये अगरबत्ती को नहीं दिखानी चाहिए, इसको नाभि तक, नाभि से तेरे चरण तक ही ये धूप को वहीं पर ही घुमानी चाहिए, उसको ऊपर में नहीं उठनी चाहिए। और उन्होंने जो बताया ना जो गोपाल मंत्र से हाँ, जो लोग गोपाल मंत्र लिए हो हैं, गोपाल मंत्र हरि नाम के बाद तो फिर गोपाल मंत्र लेनी चाहिए, जो लोग गोपाल मंत्र लिए हो वे लोग, अगर कोई गोपाल मंत्र नहीं लिए आप एक दिन आकर के यहाँ पर गोपाल मंत्र ले लेना, लेकिन हरिनाम महामंत्र से हैं हर हर चीज को स्पर्श करते हुए महामंत्र के द्वारा उसको स्पर्श करके बोलनी चाहिए, और जो उसमें पंचम पात्र का पानी लेकर के उसको चारों तरफ में महामंत्र बोल करके, अगर गोपाल मंत्र आपने लिए हो गोपाल मंत्र बोलकर चार बार उनको चार तरफ में थोड़ी पानी को घुमानी चाहिए, लेकर के धूप को कहाँ दिखानी चाहिए, नाभि से ऊपर नहीं नाभि से नीचे दिखानी चाहिए, उसको बाद में बोलो क्या। और धूप जो है जैसे आगे सुनेंगे दिया में जो दीप हम घुमाते हैं उसमें नियम होता है चरण में कितनी बार नाभि में कितनी बार, ये है ये धूप के बाद में जो प्रतीक जो दिया है इसको इसको कैसे घुमानी चाहिए, चरण में चार बार, चरण में जब देखो हम करते ना उसको लेकर ऐसे घुमाते रहते नहीं, ये चीज को समझो, ये दिया को ठाकुर जी के चरण में लखे लखे चार बार घुमानी चाहिए और उनका नाभि कमल को दिखा करके दो बार घुमानी चाहिए और उनकी मुख कमल को देख करके तीन बार घुमानी चाहिए और संपूर्ण उनके शरीर में सात बार, संपूर्ण शरीर में सात बार, क्या लगेगा बताओ चरण में कितना बार घुमानी चाहिए, चार बार, उनकी नाभि देश में दो बार और मुखमंडल में तीन बार और संपूर्ण शरीर में सात बार घुमानी चाहिए, उसके बाद में परंतु जो दीप जो धूप हम पहले अगरबत्ती घुमाते हैं उसका कोई नियम नहीं है कि जितने बार घुमाना है चाहे जैसे घुमा सकते हो, और ये नियम है आप जितने बार घुमा सकते हो अपने समय के अगरबत्ती, परंतु दीप का नियम है चार बार चरण में, ऐसा दीप का नियम है। तो उसके बाद ठाकुर जी को घुमाने के बाद, ठाकुर जी को दिखाने के बाद फिर तुलसी जी को, फिर गुरुदेव जी, तो फिर उसके बाद जब अगरबत्ती हो गया हम अगरबत्ती को नीचे रखेंगे, फिर दाएं हाथ से पानी लेकर दाएं हाथ में आचमन में घुमाएंगे, फिर और एक बार जो आचमन पात्र का जो पानी है दीप के ऊपर फिर जो दिया है उसके ऊपर डालेंगे, फिर दिया लेकर आरती करेंगे, फिर दिया भी होने के बाद फिर तुलसी को फिर गुरुदेव को परंपरा, फिर जब ये नियम है एक बार जब एक रखते हैं तो हमें हाथ धोना चाहिए एक बार, और फिर दूसरी बार जो वस्तु हम उठाते हैं उसको भी शुद्धि करना चाहिए, फिर दीप के बाद हो गया शंख जल, शंख जल है जो उसको ठाकुर जी के मुख कमल में तीन बार घुमाना चाहिए, तीन बार घुमाने के बाद फिर एक बार पानी नीचे डालेंगे, तो फिर तुलसी जी को फिर गुरुदेव जी को फिर रखे, फिर हाथ धोना है, फिर उसके बाद जो कपड़ा है रुमाल उसको भी ठाकुर जी में जैसे मुख अंतिम बार ठाकुर जी का जल में मुख धोया, फिर उसके बाद कपड़े में ठाकुर ये भाव है, उसके बाद फिर उसको कपड़ा को रखकर फिर हाथ धोकर फिर फूल जो है फूल का भी नियम यही है कि चरण में ही घूमेगा, जैसे पूरा इसका हमें घुमाते हैं पूरा करके, ऐसा नहीं है जो हमारे अर्चन देवी का हाथ में पड़ रहा था उसमें लिखा है चरण में ही करना चाहिए। अब समझ गए क्या बोले, क्या समझे? हाँ, जब फूल जैसे पहले एक शंख रखना वो पानी शंख होता है, उसमें पानी रख करके शंख में फिर उसको क्या करनी चाहिए, उसको लेकर के
ठाकुर को जैसे पानी लेकर के हम किस व्यक्ति का मुंह प्रखाल में करते मुंह धोते हैं, इसी भाव से लेकर के संत का पानी लेकर के एक पात्र में थोड़ा डालते हैं, उसको बाद में फिर एक कपड़ा रहता है रुमाल, जैसे किस व्यक्ति का पानी से मुंह को धोए फिर पोछते है ना मुंह को, फिर उसको पोछने का भाव लेकर उसको फिर घुमानी चाहिए लेकर के, फिर उसको लेकर के फिर गुरु जी को तुलसी को फिर गुरु जी को ऐसे दिखा करके एक पात्र होता है विसर्जन पात्र, जिसमें वो अलग अलग पात्र उसके अंदर पानी डालते हैं, फिर हर समय एक बार आचमन पात्र रहेगा उसमें एक बार हाथ धोनी चाहिए, धो करके ये सारे काम को एक ही बार करनी चाहिए, फिर उसके बाद में फिर फूल को ठाकुर जी के चरण को उद्देश्य में दिखा करके क्या करनी चाहिए, फिर वो पुष्प को ठाकुर जी की चरण में देनी चाहिए, अगर फूल हो गुरु जी की चरण में तुलसी में एक फूल हो ठाकुर को देनी चाहिए, उसके बाद में हाथ धो करके फिर हमें चामर व्यंजन करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, चामर व्यंजन, चामर है घर में, जिसको घर में है अच्छी बात है, नहीं हो तो एक चामर जरूर रखना ठाकुर को, जैसे चामर का जो हवा होता है बड़ा कोमल बड़ा सिक्त होता है आप उसका जो हवा है, जैसे एक व्यक्ति को जैसे हवा करते हैं जैसे चामर व्यंजन करनी चाहिए, चामर व्यंजन के बाद मोर पंख है, मोर पंख घर में ये सब चीज को घर में रखनी चाहिए, मोर पंख ठाकुर को जैसे दिखा देना, ठाकुर को मोर पंख में राधा जी का नाम है, जिसको राधा जी की स्मृति भगवान की होती है उसमें थोड़ा हवा करना और ठाकुर जी को जैसे दिखा दे उनको दिखाना, उसको बाद में एक पंखा रखना और पंखे से ठाकुर जी को जैसे हवा करते हैं ऐसे ठाकुर जी को ऐसे हवा करनी चाहिए, ठीक है। आज आप इतने सुनिए, कल हम बताएंगे ठाकुर जी को भोग कैसे लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाने का विधि कैसे, आपको हम एक पेपर में कोशिश करेंगे उसको सारे लिख करके पेपर भी देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको बोलेंगे ना आप थोड़ी थोड़ी याद करते रहे, ठीक है, सभी लोग प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो सब लोग घूम गए, एक बार इतना घुमाना 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 सभी घूम गए, कोई बात नहीं घबरा मत, जो बताया ना आज सिर्फ इसलिए बताया कि हम लोग अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत कुछ गलती कर रहे हैं, बहुत कुछ जानते नहीं, तो कुछ जानना चाहते हैं ना ऐसा नहीं बाद में भी आ सकते हैं, और हमारे पास एक बुक भी है इसकी और पूरा पर्चा भी है, एक एक करके समझा भी देगा, बड़ा आसान भी है, बहुत आसान है, तो सुबह भी आ सकते हैं बाद में कोई पूछ सकते हैं घबरा होना, तो ये बात है, अब तो समय भी बहुत हो गया है, मैं बता रहा था कि हम लोग भक्ति क्यों करें, जैसे कोई भी चीज होती है जब तक किसी की महिमा नहीं पती हो पता नहीं होगी ना महिमा तब तक उसको करेंगे नहीं हम, जैसे क्या हो कहीं भी जॉब करने जाओगे ना कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो पहले क्या होगा अगर वो बोले कि भाई होंडा सिटी मिलेगी गाड़ी फ्री में, अरे बंगला मिलेगा 500 गज का और फ्रिज मिलेगा और एसी मिलेगा है बहुत सारे आपको बहुत सारे उसने बता दिया आइटम, तो आप हाँ क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा जो आप कहेंगे वो कर लेंगे है ना, तो पहले क्या चीज है वस्तु क्या दे रहे हैं और इसकी क्या गुण है अब हम करते, तो रूप गोस्वामी की महिमा सुन रहे थे हम, तो रूप गोस्वामी ने भक्ति के विषय में जो बताया भक्ति क्या क्या वस्तु देती है भक्ति के क्या लक्षण है, तो कल मैं बताता भक्ति हमारे 6 प्रकार के गुण बताए रूप गोस्वामी ने, एक एक गुण की बड़ी महिमा है, तो मैं कल कर 6 गुण की चर्चा के लिए पर अभी एक गुण बताऊंगा आज क्योंकि समय ज्यादा है, भक्ति है ना जितने भी प्रकार के दुख हैं क्लेश है क्लेश अग्नि बोला इसको, पहला लक्षण क्या है जितने भी प्रकार के क्लेश है सबको नष्ट कर देती है जड़ से नष्ट कर देती है, और शुभ जितने भी मंगल है जितने भी सुख है सबको सुख देने वाले सुख, और फिर क्या है जितने भी प्रकार के सुख है, अब क्लेश कितने प्रकार के हैं अब ये मैं बताता हूँ क्लेश प्रकार कितने हैं कैसे दुख दूर, एक बार मैं कथा कर रहा था तो मैंने दुख के बारे में बताया तो माता जी बोली प्रभु जी
दुख के बारे में बताओ, हम तो वैसे दुखी हैं, आप उन्हें सारे दुख बता रहे हो, दुखी दुखी दुख दुख। तो मैंने कहा माता जी पहले पता तो लगे हम दुखी हैं कि नहीं है। अगर आप पहले डॉक्टर के पास जाओगे क्या बताओगे, तो दर्द हुई तो बताओ या कुछ और बताओगे कि डॉक्टर के कहाँ पर दर्द है क्या कर रहे, जब जब तो दवाई देगा। इसलिए संसार में बड़े प्रकार के कष्ट है, बहुत प्रकार के दुख है, जब तक हमें पता ही लगेगा फिर हम सुख के लिए क्यों जाएंगे, सुख क्या वस्तु है दुख क्या वस्तु है समझनी पड़ेगी। तो क्लेश कितने प्रकार के हैं रूप गोस्वामी ने बताया, बहुत बड़ी डिटेल बताई, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, महाराज जी ने बताई। देखो पाप है ना, जितना भी हम पाप करते हैं वही क्लेश दुख बनकर कष्ट बनकर और वही हमारे सामने आता है, पाप पाप का बीज और तीसरा गया अविद्या। पाप जो हम करते हैं ना, जितने प्रकार के पाप है, एक होता है पाप, पाप भी क्या है, जितने प्रकार के पाप वो हमें भोगने पड़ते हैं, जो किए पर कैसे भोगने पड़ते हैं। कोई कोई कहते भी है कोई इतना भजन कर रहे हैं हमारे दुख दूर नहीं हो रहे, और थोड़े समय करते हैं जैसे महाराज ने कहा हरिनाम करो, हरिनाम करने से सारे मंगल आएंगे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज ही माला की एक मिनट दस मिनट ही कुछ हो ही गया ना, तो पत्नी भी लड़ाई बंद कर ली, लड़ाई बच्चे ही मारना बंद कर रहे, और दस मिनट माला की दो तीन दिन माला की लोग दूसरे माला अपनी वापस ले। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि तुम कैसे दूर होगे, पहले समझो भक्ति कैसे क्लेशों को दूर करती है। उन्होंने कहा कि देखो जो कर्म है ना, महाराज जी ने अभी बताया सुकृति के लिए बताया, तो कर्म कैसे नष्ट होते हैं डिटेल बताई, प्रारब्ध कर्म अप्रारब्ध कर्म कूट और बीज चार प्रकार के कर्म होते हैं जो कि हमें भक्ति में बाधा देते हैं। प्रारब्ध कर्म अप्रारब्ध कर्म कूट, याद रखना तीन चीज को। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं, प्रारब्ध कर्म कहते हैं पिछले जन्म में हमने जो जो पाप कर्म किए, जो जो पाप करी वो इकट्ठा होते और फिर वो हमें उसमें से सारा भोगेंगे ना, भोग नहीं पाएंगे इतना दुख दर्द। जैसे क्या होता है, आप कोई दांत के डॉक्टर के पास गए तो भगवान करे ना जाओ, पर अगर गए हो तो वो कहते तीन दांत आपके खराब है, तीन या चार दांत खराब है, तो कहते पहले एक का करूंगा तो दूसरे से खाओगे, एक साइड से करूंगा रूट कनाल दूसरे करूंगा, फिर इससे खाओ फिर इसके करूंगा इधर से खाओ, अगर चारों में साथ कर दो क्या खाओ। तो भगवान बड़े दयालु है, वो सारे पाप कर्म को साथ भुगाते नहीं है। तो कैसे कैसे भुगाते हो, धीरे धीरे करके हम पाप कर्म को भुगाते। अब एक सुंदर उदाहरण के द्वारा देख लो, जो हमने बहुत सारे पाप कर्म किए वो एक स्टोर में इकट्ठा होते, उसमें से एक मुट्ठी भर हमें भोगने पड़ते हैं जन्म में। जो हमें भी भोगने हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, जो हमें भोगने उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, और जो बहुत सारा स्टॉक है होता है अपराध कर्म, और जो बहुत सारा भी कमरे में जाने वाला है उसे बोलते हैं क्या, नहीं उसे बोलते कूट या इच्छाएं वासना योग। अब उसे उदाहरण के द्वारा सुनो, माता जी समझ नहीं पाए कहीं, देखो एक कढ़ाई में पकौड़ी बनाई, कभी बेसन की पकौड़ी आलू करके, आलू करके जैसे पकौड़ी बनाते हैं ना, आलू को छोटे छोटे पीस करो, एक तो हो गया अमानी, एक साबुत आलू है, देखो ना आलू के छोटे छोटे पीस कर दिए, एक आलू जा चुका है बेसन घुले में कटोरे में, ठीक है अभी बेसन कटोरे में गया, बहुत सारे इकट्ठा है, कम से कम एक भगोना 10 किलो का भरा है, और उसमें से एक मुट्ठी कढ़ाई में जा चुका है भुनने के लिए, समझ गए, जो कढ़ाई में जा चुका है उसको उसका तो बनेंगे पकौड़े पक्का। तो जो अपराध कर्म है मतलब जो भगवान ने फिक्स कर दिए निर्धारित है, मतलब एक भगवान से एक मुट्ठा जो कढ़ाई में डाल दिए उनको बोलते क्या, प्रारब्ध कर्म, वो भोगनी पड़ेगी, उसका कोई उपाय नहीं है, वो हम भोगनी पड़ेगी। और अपराध कर्म क्या है, भगवान में बचे हुए, ये क्या है, ये पाप कर्म है आलू में, समझना उदाहरण दे रहा था। तो क्या बहुत प्रकार के पाप होते हैं, कुछ होते हैं कि निर्धारित होकर भोगने पड़ते हैं। अच्छा क्यों भोगने पड़ते हैं, क्यों नष्ट नहीं होते, इसके बड़ी प्रकार की बेसिक उन्होंने वो बताई, बड़े डिटेल बताई है, धीरे धीरे हम सुनेंगे। अच्छा जो अभी भगवान में जा चुके हैं और कुछ है भगवान में गए नहीं है, तो अभी 100 लोग हो गए और 100 लोग आ गए, अरे जल्दी जल्दी अमान्य करो, अभी जाने वाले भगवान बेसन में गए नहीं, तो कुछ तो कूट मतलब वासना है, जैसे हमारे मन में इच्छा है जुगी पाप करने की, अभी पाप किया नहीं, जब इच्छा मतलब कूट माने बीज होता है, जब इच्छाएं जगती है, इच्छाएं अभी जगी है, तो जगी है क्या है, अभी इच्छा जगी है नहीं, पर अभी क्या हो गया, जब कर देते हैं हम वो क्या बीज बन जाती है, और बीज बन के क्या करती है, फिर वो
अब प्रारब्ध में जाती है, फिर दोबारे वो क्या आती है, प्रारब्ध भोगने की पड़ता है। तो इस ये प्रकार के कर्म है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति करने से समस्त प्रकार के प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार से प्रारब्ध कर्म किसी योग से तपस्या से खत्म नहीं होता, सिर्फ भक्ति के द्वारा प्रारब्ध भी खत्म होता है। रूप गोस्वामी ने कहा यद ब्रह्म साक्षात निश्चयापित विनाश माया बिना न भोगे अपेति नाम स्पुरेण तत्ते प्रारब्ध कर्म इति विरोधिति। ये जो कढ़ाई में जा चुका है आलू, जो प्रारब्ध कर्म है वो किसी भी तपस्या से योग से नहीं जाता, किसी भी से नहीं जाता, सिर्फ एक बात भगवान के शुद्ध नाम से जाता है, नाम अभास से जाता है। रूप को सुखा भक्ति की इतनी महिमा है। हाथ उठाकर नाम बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 भक्ति की इतनी महिमा है, ये प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है। अपराध को तो क्या बात, जो स्टॉक में जमा अभी हमें बहुत जन्मों तक भोगने पड़ेंगे वो तो जमा है, और प्रारब्ध तो क्या भोगना ही पड़ता है, पर भक्ति की इतनी महिमा है ये प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है, अपराध को भी नष्ट कर देती है और कूट और बीज को भी। पर क्या करती है, जैसे भक्ति करेंगे तीव्र गति से भक्ति करेंगे। अब भक्ति करने का शुद्ध रूप में भक्ति करेंगे तो होगा, भक्ति नहीं पता तो होगा कैसे, तो कैसे क्लेश कैसे कैसे नष्ट होते हैं इसका हम कल बताएंगे डिटेल में। भक्ति जो पहले अपराध को नष्ट करती है, पहले अपराध नष्ट होता है, जो स्टॉक जमा है ना पहले वो कमरे में वो नष्ट होता है, फिर जाकर कूट बीज नष्ट होते हैं, लास्ट में अपराध का नंबर आता है। तो आपके इतने सारे पाप है कैसे होगा, पर भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। जैसे क्या हुआ, रूप गोस्वामी ने उदाहरण दिया, एक कमल का पत्ता है ना, एक कमल का पत्ता है, दूसरा कमल का पत्ता है, तीसरा कमल का पत्ता है, हजार कमल के पत्ते एक साथ, और उसमें सुई को उसमें चुबाओगे डालोगे तो कितनी सेकंड के अंदर आ जाएगी, कितने मिनट में आ जाएगी सुई, सुई को फूल की कमल की पत्ते डालो एकदम आएगी। अरे भक्ति कितनी महिमा है, यदि शुद्ध रूप में साधु संग मिल जाए और किसी महापुरुष की कृपा मिल जाए और नाम की कृपा जाए, एक नाम निकल गया मुझसे शुद्ध नाम, नाम आवाज, एक शुद्ध नाम आवाज, अरे जितने भी प्रारब्ध है जितने भी अपराध है पूर्ण कभी सब नष्ट कर देती एक सेकंड के अंदर। ये भक्ति की विशेषता है। और भक्ति क्या क्या देती है आप, हम बताएंगे कितना मंगल देती है, कल बताएंगे सुखदायिनी कैसे है और भक्ति किस प्रकार से नष्ट करती है कल बताएंगे। फिर भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है, और भक्ति क्या सुदुर्लभ है, भक्ति बहुत रेयर है, भक्ति इतनी आसान नहीं मिलती, और भक्ति भगवान को मजबूत कर देती है। और भक्ति की इतनी महिमा आगे आगे हम धीरे धीरे एक एक विषय पर सुनेंगे, क्योंकि अगर आज सुनाएंगे तो कल से आप लोग आएंगे है ना, तो बोलो भक्ति देवी की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, रूपाल पद्म की जय। आज के जो प्रसाद की व्यवस्था है, आज के प्रसाद की व्यवस्था हमारे कार्तिक प्रभु जी मृदंग बजाते हैं, और उनकी सिस्टर इनके पिताजी का उस समय मैंने शरीर छोड़ा था, आज उन्होंने मंगल